so delicate and so mundane, and they keep coming like a moth to a flame. Oh, some things never change, never change. Say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning. You wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. Oh, you'll break your back to make me feel it. Stopped asking for forgiveness, cause you should know only fools tread where the angels fear to go. But you keep trying to get too close. Save myself by turning into stone. और मेरे भाई होंगे हालचाल है भाई सब सबके। तो भाई साहब कैसे हो बीरो लोगों, कैसे हो गाइस, सब लोग कैसे हो यार? मतलब क्या हाल है भाई के, क्या कर रहे हो गाइस तुम लोग? चार चार बंदे स्पेक्टेंट में है, स्पेक्टेट में है, स्पेक्टेट। चलो गाइस 85 बंदे लाइव में बैठे हैं हमारे कस्टम रूम में T3 वाले, तो देखते हैं अब मतलब ये क्या उखाड़ पाते हैं, या फिर किसकी मारते हैं, या फिर खुद की मरवाते हैं। देखते हैं ये पीरो प्लेयर्स, सारे सारे पीरो प्लेयर्स यहाँ पर जो भी बैठे हैं। ओ भैया हमारे फेवरेट आ गए। चलो कोई नहीं, उठते रहता है, जिंदगी में मजे आते रहते हैं गाइस। चलो साय हैज नॉट डाउनलोडेड द मैप पीरो प्लेयर, रियली वेरी सॉरी साय भाई, अब निकल चुके हैं और धागा टूट चुका है और पैंट खुल चुका है एकदम। साहिब बोल रहे हैं अबे मैंने लॉगिन तो क्या है, उनकी एकदम से चड्डी खुल के बोल रही होगी ओ भाई जोर से बांध ले। अरे कोई नहीं, उठता रहता है। तो चलिए गाइस वैकेंडी का मैप है और यहाँ पर बहुत सारी टीम्स है। बस आज मतलब क्या ही टीम्स आई है यार, 85 बंदे, मतलब 84 थे पर साय फिर से शायद मेरे हिसाब से ज्वाइन हो चुका है इसलिए 85 ही दिखा रहे हैं, या फिर वो ऑफलाइन है। ऑफलाइन है हाँ, तो देखते हैं हल्क हमारे डीप में आज भी देते हैं या फिर नहीं। हल्क और डीप वो भाई दोनों के दोनों बहुत ही नंगे नंगे यार, छी बे अबे तीनों पूरी स्क्वाड नंगी, मतलब फक वो भाई, मतलब ये तीनों मजे लेने वाले हैं आज। किसके लेंगे ये यहाँ पर पांडा वगैरह वगैरह वगैरह, ये बड़े बाल वाले मिलेंगा भैया, ये एक छोटी वाली लड़की देखते हैं ये कौन है भाई, क्या ही स्टंट मारा। और ये ड्रैगन के सूट में केव रेज ओपी, यहाँ पर चाइनीज कपड़े पहनते हुए परफेक्ट ओपी, तो भाई बहुत ही परफेक्ट है यार, पूरा टोपी ओपी लगा के बैठा है। तो 25 टीम्स आ चुकी हैं गाइस, सिर्फ एक ही एक स्लॉट खाली था मेरे स्ट्रीम पे, ओनली वन वॉचिंग, उन सबको यहाँ पे मजा कर रहा हूँ यार। जो भी लोग स्ट्रीम पे नए, जल्द से लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब हो भाई जल्दी,
सब मिलके प्राइड की लेंगे। नहीं, मैं सबकी लेने वाला हूँ आज जल्दी। तो यहाँ पर गाइस जोन कहाँ से कहाँ तक जाने वाला है तो वो देखना पड़ेगा हमें पहले। तो ट्रेवनो से जाकर ये सामने पूरा डाइनो पार्क की तरफ जाने वाला है, और डाइनो पार्क के आगे खत्म होने वाला है, मतलब ये बीच में खत्म होने वाला है। तो देखते हैं क्या होता है। वेलकम F5 क्लोन YD भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम ऑफ प्राइड गेमिंग। और भाई जो भी लोग स्ट्रीम पर नए हैं यार भाई, प्लीज यार F5 क्लोन YD भाई पे भी जाओ यार, उनके भी मतलब स्ट्रीम बेचारे देख रहे हैं हमारी स्ट्रीम, उन पे भी जाओ और उन पे भी जरा सा एक छोटा सा रेड मार दो बस, और कुछ नहीं, क्योंकि हमारे छोटे ही बंदे तो छोटे ही रेड मारेगा भाई, बड़ी तो मार नहीं सकते क्योंकि समझ लो बस। तो यहाँ पर बहुत सारी टीम खुद है, 10 और 15 के बंदे यहाँ पर जा रहे हैं डाइनो पार्क की तरफ, मतलब डाइनो पार्क से कहाँ जा रहे हैं देखते हैं। और भाई साहब यहाँ पर बहुत सारी स्क्वाड्स है भाई, ये टीम नंबर 15 का मतलब शायद नशे में मेरे हिसाब से। पर यहाँ पर उतरते ही हिटमैन ने मजे दोनों तरफ से ले लिए, गोड को मार दिया एक ही झटके में। एसके गॉड यहाँ पर बंदों को मार रहा है भाई, एसके गॉड क्या कर रहा है यार, नॉक कर देगा भाई। तो इन्हीं के पास अब बंदे उतरे हैं, तो देखते हैं ये लोग क्या करते हैं। अब इनके सामने टीम नंबर 18 के बंदे बैठे हैं शायद मेरे हिसाब से। हाँ तो यहाँ पर ये बहुत ही जोर जोर से घुस रहे हैं भाई टीम नंबर 18 के बंदे पे, और ये एक बंदा नॉक हो चुका है, एक बंदा फिनिश भी हो चुका है। तो एक बंदे को इन्होंने और एक बंदे को इन्होंने नॉक कर दिया, मतलब हाइड्रा के बंदे को। तो देखते हैं भाई हाइड्रा ब्रीड अब कहाँ है यहाँ पर इनके। ओ भाई दो बंदे नॉक फिनिश हो चुके। ओ भाई क्या कर रहे हो यार, मतलब क्या ही मजाक कर दिया यार तुम लोगों ने, इसके गॉड भाई क्या कर दिया यार भाई, क्यों मतलब ऐसा क्यों मार रहे हो यार, बेचारे डर रहे हैं भाई बंदे यार, क्यों ऐसा क्यों कर दिए हो यार, क्यों किया ऐसा क्यों। तो यहाँ पर फैंटन बोल रहा है भाई प्लीज बचा ले यार, मेरी कोई गलती नहीं, बचा ले यार। तो यहाँ पर देखते हैं वो लोग इनको मतलब सलामत रखते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर सदमान ओपी हैरी को देखते हैं कहाँ घुस रहा है, ये बंदों पे घुस रहा है। और यहाँ पर इन्हें पता चल चुका है कि इनके सामने बंदा है, यहाँ पर गलत मुंह खुश की तरफ से फेविकॉल लगा के सो चुका था, पर इसके अंदर फेविकॉल घुसा दिया चुका है, मतलब जा चुका है। तो भाई क्या करें यार, हिटमैन ओपी चढ़ गए। तो पर हिटमैन ने तीन बंदों को मार दिया, मतलब एक स्क्वाड पूरी की पूरी वाइप हो चुकी है यहाँ पर, और यहाँ पर मजे हो चुके हैं, मतलब समझ ले हो गए। तो अगर CPS जोकर देखते हैं क्या कर रहे हैं ये लोग, मतलब पूरे पूरे मजे में लूट रहे हैं। SB रशर और ये लोग भाई M24 वगैरह भाई इतनी लूट कहाँ से। ओ भाई बेचारे एक बंदे पर तो गन ही नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं ये हाइड्रा वाला बंदा क्या आ रहा है, हाइड्रा कहाँ है भाई, तू कहाँ मर गया मेरे बच्चे भाई यार। मुझे मिला ही नहीं भाई, व्हाट द हैक भाई, व्हाट द हैक भाई, मुझे आवाजें आ रही है भाई बंदों की। तो यहाँ पर ASN ने एक बंदे को मार दिया, इट्स निंजा पता नहीं क्या नाम है भाई, दया का दीवाना। तो यहाँ पर मिस्टेक भी हेल्प करो मुझे रोल हम हैं भाई, ना फट दे भाई, कैसे मार दिया हैकर। ओ भाई दोनों के दोनों हैक हैं। ओ भाई ये इसे तो क्लासिकर्स पर क्लासिकर्स पर। ओ भाई बंदा बोल रही है टामी आची हाँ गाइस, पता नहीं यार मुझे कैसे आवाज आ रही है, पर कभी कभी ये ग्लिच हो जाता है, पता नहीं भाई PUBG के सस्ते नशे एवरीबॉडी। तब टीम नंबर 6 के बंदे और टीम नंबर 10 के बंदे क्या कर रहे हैं देखते हैं। ओ मान क्या ये कैसे किया भाई तूने। ओ तो यहाँ पर गंजेड़ी सस्ते नशे भाई होते ही रहते हैं, तो क्या करें। तो यहाँ पर सैम ने एक बंदे को और एक नॉक कर दिया, नॉक करे फिनिश कर दिया भाई वॉक्स के एक बंदे को। तो यहाँ पर वॉक्स के बंदा पता नहीं कहाँ जा रहा था भाई, कहाँ जा रहा था, कहाँ देख रहा था। टॉमी यहाँ पर एक गन जीतती हुई, सैम ने और एक बंदे को मार के 1 vs 2 कर दिया। यहाँ पर मैक्स विने देखते हैं क्या करते हैं, मैक्स विने कुछ नहीं कर पाते। यहाँ पर हाइड्रा फिर से, हाइड्रा के PBX ने फिर से एक बंदे को नॉक किया है, और रूथलेस ने इनको फिर से मतलब चाटा मार ही दिया मतलब। तो यहाँ पर देखते हैं शॉकनर ओ भाई इतने बड़े बड़े नाम यार, डरा दे रहे हो यार भाई तुम लोग। तो यहाँ पर देखते हैं रूथलेस दोनों को मतलब डरा दे चुके हैं। तो यहाँ पर पता नहीं कौन सी स्क्वाड है ये, तो ये नॉक हो रहे हैं, पता नहीं मतलब क्या बोला है चीन मतलब। तो यहाँ पर टीम नंबर 7 के बंदे सामने हमें दिख रहे हैं, तो देखते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर। तो टीम नंबर 7 की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर ये दो ही बंदे बचे हैं, तो मतलब सीन गलत इनके साथ ही हो रहे हैं, क्योंकि भाई ये लोग फॉल बैक मारने की चाह रहे हैं। और यहाँ पर टीम नंबर 25 का एक बंदा सामने इनके ही बैठा है, तो भाई क्या कर रहा है भाई तू यार। तो यहाँ पर मावी ओपी देखते हैं क्या कर पाते हैं, कुछ नहीं। तो यहाँ पर BTS देखते हैं, तो यहाँ पर बहुत ही गंदा सिचुएशन, क्योंकि मावी के ऊपर शायद बंदे मेरे हिसाब से घुसने वाले हैं,
शायद मजाक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं इनके पास कोई बंदा है क्या, नहीं। तो ये कहाँ बैठे हैं, टीम मेंबर इनके बंदों पे घुस चुके हैं। तो यहाँ पर मार्कस और इन दोनों पे बंदे सामने ही बैठे हैं, फैंटम और डेड शॉट। देखते हैं ये लोग क्या कर पाते हैं। यहाँ पर फैंटम फ्लैंग मार रहा है पूरा का पूरा, शायद नहीं मार रहा, मैं मजाक कर रहा हूँ ऐसे ही, मतलब मजाक करते रहते हैं गाइज, हम लोग मजाक करते ही रहते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर टीम नंबर 24 के बंदे क्या कर रहे हैं। यहाँ पर टीम नंबर 24 के बंदे हैं ना क्लोज आ चुके हैं थोड़ा सा, मतलब इनके पास से टीम नंबर 10 की स्क्वाड जाती हुई, टीम नंबर 10 की स्क्वाड घुस गई है और इनका एक बंदा नॉक हो चुका है। तो देखते हैं यहाँ पर ये बंदा नॉक हो चुका है। तो यहाँ पर देखते हैं हैरी क्या करते हैं। हैरी कुछ नहीं करवाते, यहाँ पर कवर देने के चाहते हैं पर कुछ मतलब दे नहीं पाते, क्योंकि टॉमी है भाई इनपा इन पे, मतलब टॉमी और एक के है वो भी बहुत बड़ी बड़ी स्किन्स के साथ। यहाँ पर टीम नंबर यहाँ पर भाई शॉकनर को पता चल चुका है, यहाँ पर रूटलेस जो एमवीपी है मतलब टीम का एक काम करता है वो बंदा नॉक हो चुका है। तो यहाँ पर और मुझे लग रहा है यहाँ पर हैमर घुसाएगा, पर नहीं, इसके अंदर खुद के दो बंदों ने दे दिया हैमर। तो यहाँ पर इसके नूप को देखते हैं, नूप भी नॉक हो जाए, शॉकनर देखते हैं क्या करता है, हर बंदों और यहाँ पर कुछ कर पाते हैं, उखड़ पाते हैं देखते हैं। सिचुएशन मैं सोचता हूँ अभी कुछ सकते हैं और गांड फटके हाथ में आ गई। थोड़ा सा अगर हेड पे या फिर कहीं एम होता तो शायद से बचवाते, पर इन्होंने फेविकॉल लगा लिया, थोड़ा सा शायद आंख थोड़ी सी धुंधली हो गई और हेडशॉट की जगह कहीं बॉडी शॉट या फिर नीचे कहीं मेन पार्ट, समझ रहे हो गाइस, वहां लग गए। इसने सोचा कुछ नहीं करूं तो डैमेज तो कर दूं ताकि साला वर्जिन ही रहे, साला गांडू वर्जिन नहीं। और यहां पर पीछे से जो कि मैं बात कर रहा था 25 के बंदे, टीम 25 के तीन हरामी बंदे, इन्होंने इनकी गांड फाड़ दी। कैसे? ऐसे 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 ऐसे। तो गाइस जो भी लोग स्ट्रीम पे रहे हैं जल्द से जल्द कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करो भाई जल्दी भाई। तो यहाँ पर देखते हैं डीप और हल्क क्या करते हैं। डीप आ रहे भाई, इनका कैंपिंग जो भी था इनका मतलब स्ट्रैटेजी पहली बार पहले से ही। तो टीम नंबर 25 के बंदे इनके बहुत ही पास हैं, मतलब क्या ही पास हैं गाइस। टीम नंबर 25 नहीं भाई 20 शायद मेरे हिसाब से, तो टीम नंबर 25 हाँ। टीम नंबर 20 के बंदे देखते हैं किसके अगेंस्ट, टीम नंबर 13 के बंदों के अगेंस्ट। तो यहाँ पर देखते हैं सोहम क्या कर पाते हैं। सोहम यहाँ पर बैठे हैं और देख रहे हैं बंदों को, इनको पोजीशन पता है साइथन की, तो ये गांड फाड़ेंगे भाई। साइथन अंदर घुस जा यार, ये साइथन देख रहे हैं क्या करता है, ये मतलब मजे ले रहे हैं थोड़ी देर, देख रहे हैं लाइव स्ट्रीम पे कि भाई लाइव स्ट्रीम पे थोड़ा सा कॉन्टूंट वॉन्टूंट बन जाए। तो मेरे हिसाब से यही हो रहा है, यहाँ पर कुछ मजे ले रहे हैं भाई अपने अपने, देख रहे हैं। तो यहाँ पर इनको मतलब पोजीशन पता चल चुकी है और इनकी टीम के अंदर एक नया बंदा आ चुका है, टीम इंड बॉन्ड। तो ये देखते हैं भाई नया बंदा क्या कर पाता है इनकी टीम के, जो कि हमारे कल के विनर से चिकन विनर विनर चिकन डिनर लेने वाले दोनों के दोनों मैचेस में। तो ये भाई मतलब एक ही गाड़ी में जा रहे हैं, देखते हैं ये लोग क्या कर पाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं टीम नंबर 16 का एक सोलो बंदा बैठा है और शायद ये भी गाड़ी ही चला रहा है, देखते हैं। तो यहाँ पर ASN ब्लड ने एक बंदे को मारा है, तो क्या ही मतलब तो यहाँ पर ये बंदा पता नहीं क्यों रुका है और यहाँ से गाड़ी जाती हुई और इसने बहुत ही डैमेज दिया। गैंगस्टर ओपी इन द चैट। पर यहाँ पर रीपर देखते हैं क्या कर पाते हैं। टीम नंबर 17 के बंदे, टीम नंबर 11 का एक बंदा और एक बंदा पीछे से कवर दे रहा है और एक बंदा इनको मतलब फिनिश करने की तादाद में है। तो यहाँ पर बहुत ही बाल बाल सेकंड पे इन्होंने टच कर दिया इनको। तो यहाँ पर एक बंदा नॉक है, रीपर यहाँ पर बहुत ही कुछ ज्यादा ही अच्छा खेलते हुए, देखते हैं स्कल की गांड फाड़ पाते हैं या फिर नहीं, सॉरी टीम नंबर 11 की गांड फाड़ पाते हैं या फिर नहीं। मैंने सोचा स्कल ही हो गया ना, नहीं यार बहुत प्रो प्लेयर है यार ये सब लोग, नाम कुछ अलग अलग रखते हैं भाई। वो पी बहुत ही बढ़िया प्ले मारते हैं पर राइट से इनको एस्केप करती हुई, ये क्राउच नहीं कर पा रहे, इनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्योंकि बहन चुदा वहां से बहुत जोर से चुदा रहे हैं, क्या ही कर ले भाई तुम लोग, मतलब क्या ही प्लो प्लेयर बन ले हो। तो यहाँ पर ये लोग डासिया में घुस रहे, मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी इन बंदों को गिराने की, पर वहां से स्कल भैया हमारे कुछ भी कर रहे हैं, मतलब वो तो नहीं कर रहे, मतलब पूरे के पूरे फॉर्म में। यहाँ पर ये बाहर जाके मेरे हिसाब से गलती करने वाले हैं, पर अंदर से फाड़ दी गई है। तो चलो ये लूटम लूटी कर रहे हैं, तब तक हम चलते हैं M4 मैक्सिमस की तरफ। तो यहाँ पर भाई मैक्सिमस हो चुका है नॉक, पर उससे पहले ये देखिए भाई टीम नंबर 15 19 के बंदे, टीम नंबर 15 के रेज ओपी को नॉक करते हुए
और यहाँ पर ये कुछ ज्यादा ही परफेक्ट परफेक्ट मतलब खेलते हुए भाई बंदे बहुत ही कुछ ज्यादा ही परफेक्ट भाई। ओ भाई इतने परफेक्ट मत बना करो यार, हमारी डर लगती है भाई हमें। तो यहाँ पर ओम को दे दिया गया है मुंह में, तो यहाँ पर देखते हैं भाई ओम को जोर से पड़ चुकी है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से इनका भी मेरा वाला ग्लिच हुआ है कि मतलब मारते हैं पर लगता नहीं है, तो क्या करें भाई। पर इन्होंने मारा भी नहीं तो ठीक है, कोई नहीं, होता रहता है होता रहता है। तो टीम नंबर 15 का मतलब टीम नंबर 19 के पास बहुत जोर से ही मार रहे हैं यार। सेरेटॉन भाई क्या कर रहा है यार, पूरा एथिना बन के बैठा है यार। क्या भाई इतना जोर से मत मार यार, बेचारे गांड पड़ रही है भाई बंदूक की। और यहाँ पर ओम का फटका गांड में लोग भड़वे, और ओम के सामने फिकर नहीं बोट चला, नहीं 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 और पिक करो बेटी, चलो जोक सा बाट कोई नहीं। यहाँ पर रीपर घुसते हुए, रीपर कुछ तो मेरे हिसाब से करने वाला है, पर सेरेटॉन बेचारा नॉक होते हुए ओम के अगेंस्ट। पर कोई नहीं भाई, तुमने गुड ट्राई की भाई, बंदे को नॉक तो कर दिया एक बार, वो ही बहुत बड़ी बात है। ओम वाले को नॉक करना एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है मतलब भाई। चलो गाइस यहाँ पर रेज भी देखते हैं क्या कर पाते हैं। यहाँ पर के सब लोग बैठे हैं M249 3X के साथ, तो भाई ये फाड़ पाते हैं या नहीं फाड़ पाते हैं। इनके ग्रोजा और M249 भाई, एक बंदे को ग्रोजा दे दे यार बेचारे भाई, प्लीज यार कुछ तो मेहरबानी कर दे भाई। ये लोग M7 और उजी लेके बैठे भाई। और यहाँ पर G34X चलाते हुए, पर देखते हैं टीम नंबर 19 के बंदे अब क्या करने वाले हैं, कुछ प्लान तगड़ा वगड़ा बना रहे हैं या फिर यही ऐसे ही कुछ बैठे हैं। तो यहाँ पर परफेक्ट ओबी जो कि ओम वाला बंदा है वो कुछ षड्यंत्र रचना चाहता है, पर उसे भाई ये बंदा चलाने नहीं दे रहा। मतलब सप्रेसर विद M24 ये भाई स्पॉट कर रहे हैं, इन्हीं को बंदे की गांड देख रहे हैं, देखते हैं नंगा नंगा कैसे होता है बंगा बंगा। तो यहाँ पर नेड करने की कोशिश, बहुत ही ओपी नेड मेरे हिसाब से जाने वाला है, पर इनके पास स्मोक आ चुका है, कोई नहीं डरने की कोई बात नहीं। और यहाँ पर स्मोक करने की कोशिश, और मेरे हिसाब से जाएगा नेड, और गांड फाड़ ही दी। मतलब क्या ही नेड कर रहे हो भाई, भाई मावी भाई ये टीम भाई कब लेने लेने के लिए जाने ही वाली है मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लग रहा है भाई। तो यहाँ पर देखते हैं परफेक्ट अभी नॉक नहीं हुआ है, मतलब रीबूट नॉक की कोशिश, और यहाँ पर फिनिश हो जाएंगे मेरे हिसाब से जाते जाते, क्योंकि इनकी मतलब खून निकल रहा है मतलब भाई समझ लो ना गाइस। और SLR मार के रीपर ने इनकी गांड के अंदर और एक छेद कर दिया जो कि भाई पहले से भरा ही नहीं था बेचारा। तो यहाँ पर रीपर बहुत ही जोर जोर से मार रहे हैं भाई बंदों की। तो यहाँ पर देखें सेरेटॉन क्या करते हैं, सेरेटॉन कुछ नहीं कर पा रहे, सिर्फ शैक के अंदर बैठे हैं। देखते हैं ये फिर से एक और एक बार एथिना बनता है या फिर मर जाते हैं, तो देखना पड़ेगा ही वो तो। टीम नंबर 23 के बंदे बीच से कुछ जा रहे थे, पता नहीं कहाँ जा रहे थे, कहाँ जाके मरवा रहे थे, देखते हैं वो भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इन पे बहुत गंदे गंदे शॉट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर ओम भी पड़ी है पीछे से, पर कोई नहीं ये लोग पीछे गए, हील लगाई लौड़ा सुन लिया, और कुछ करने वाले भी हैं ये लोग। तो यहाँ पर देखते हैं ये बंदा शायद मेरे हिसाब से मावी हील लेने गया है, पर भाई इस पे हील की कोई कमी नहीं, 5 एनर्जी 5 पेन किलर बहुत कुछ भाई। लेवल 3 का वेस्ट है, लेवल 3 का हेलमेट है, सिर्फ बैक बैक थोड़ा सा मतलब कम है, और भाई कुछ नहीं मतलब थोड़ी सी डैमेज है। तो यहाँ पर इसके अंदर देखते हैं क्या पड़ा है, ओम मिली है भाई M249। तो भाई इनकी जिंदगी अपरंपार, पर सामने यहाँ पर टीम नंबर 19 और 15 के बंदे बैठे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर ग्राफिक्स वगैरह मतलब बंदों को मतलब क्या कर पाते हैं, क्या बोल दिया भाई मैंने। तो यहाँ पर देखते हैं ये बहुत जोर से हिल रहा है, यहाँ पर परफेक्ट ओपिन है, फिर से एक बंदे को नॉक कर दिया टीम नंबर 19 के बंदे को। किसको, सेरेटॉन को, नहीं मावी को, नहीं रीपर को, तो हाँ जी। तो इसलिए बोलते हैं भाई ओम ओम होती है, SLR होती है भाई, थोड़ा सा मतलब कंट्रोल में रखो यार अपने जज्बातों को यार, इतना भी प्रो मत बनाओ कि गांड फट जाए। तो यहाँ पर फ्लैश ओपी देखते हैं, दीवार के अंदर घुस रहे हैं, इनका सर अंदर घुसा के देखते हैं कुछ हैकिंग वैकिंग कर पाते हैं या फिर नहीं। पर हम तब तक चलते हैं टीम नंबर 15 के बंदों पे, जिनका यहाँ पर एक बंदा मर चुका है, और ये परफेक्ट ओपी यहाँ पर पूरा परफेक्ट तरीके से इनका मतलब पूरा बुल्लू ने गोड़ में गोली होते हैं, ऐसे इंप्रेशन के साथ ये मतलब खेल रहे हैं पूरा का पूरा गेम। जो भी लोग स्ट्रीम बनाए जल्द से लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ठोक दो भाई, जल्दी भाई जल्दी मतलब जल्दी, इतना जल्दी करो कि भाई समझ में नहीं आया मुझे मतलब इतने सब्सक्राइबर्स हो जाए,
एक ही सड़के में। तो यहाँ पर टीम नंबर 23 के बंदे देखते हैं क्या कर पाते हैं। यहाँ पर टीम नंबर 23 के बंदे पूरी की पूरी लूटा मराठी करने के बाद फिर से लूट रहे हैं। पता नहीं कौन से सस्ते नशे कर रहे हैं, पर नशे तो जरूर हो है थोड़े से। यहाँ पर देखते हैं हिटमैन जो कि अब तक सबसे ज्यादा पूरे के पूरे मैप में सबसे ज्यादा किल लेने वाले देखते हैं ऑफलाइन जा चुके हैं। यहाँ पर G36 तो बहुत घूर घूर के ढूंढ रहे हैं, पर कोई नहीं, इनको G3 का हैक मिल चुका है। तो चलो ये कुछ करने वाले ही हैं। और हरामियों ने ड्रॉप के अंदर कुछ नहीं छोड़ा भाई, मेरे लिए कुछ छोड़ देते यार, मैं भी ले रहा बढ़ूं। तो यहाँ पर किसी बंदे ने मतलब ओम मतलब प्लेयर और एक बार चलाइए, देखते हैं वो कौन सा प्रो प्लेयर है। तो पर टीम नंबर 25 के बंदे मावी ओपी और ये लोग भाई पूरा का पूरा भाग रहे हैं यहाँ से। यहाँ पर एल के सोहम ने किसी बंदे को नॉक किया, तो भाई देखते हैं एल के सोहम कौन प्रो प्लेयर है यहाँ पर। वो ये मिला तो इनके सामने टीम नंबर 13 के बंदे, तो देखते हैं ये लोग क्या कौन सी फाइट ले रहे हैं। मतलब तो यहाँ पर ये लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं टीम नंबर डीप और हल की तरफ। तो मेरे हिसाब से ये लोग हार जाएंगे क्योंकि भाई डीप इतना जोर से घुसाता है। अबे हल कहाँ गया? हाँ कि हाँ हल्क नहीं है, तो भाई तुम लोग हार जाओगे, मुझे कोई भरोसा नहीं तुम पे। पर कोई नहीं, हमारा हल्क चिच्चा यहाँ बैठा है, कोई नहीं ये भी गांड में दे देगा, कोई नहीं बात नहीं। तो यहाँ पर शायद गॉड नियॉन और इन बंदों को पता नहीं है कि हल्क कहाँ छुपा बैठा है। तो यहाँ पर हल्क धीरे धीरे आ रहा है, क्लोजिंग कर रहा है, तो और इनकी गांड भरने बहुत ईजी होगी हल्क को। पर ये बंदा कुछ गांड मस्तियाँ कुछ ज्यादा ही कर रहा है। लेफ्ट से नहीं जाओ भाई प्लीज यार, यहाँ पर आ जाओ भाई। अबे ओए, अबे ओए, यहाँ पर ओ भाई हेलो हेलो हल्क, अगर आवाज आ रही है देख यहाँ पर बंदा है। देख अबे ओए, मैं हैकिंग करके दे रहा हूँ ना भाई, ESP बोल रहा हूँ ना भाई, गांडू भड़वे साले, यहाँ आना भाई हल्क भाई प्लीज यार हल आ जाना भाई। चलो मर जाओ तुम लोग, मैं नहीं देखने वाला तुमको, गांड मारो। यहाँ पर फ्लैश हो भी देखते हैं कौन सी फ्लैश की पावर्स ढूंढ रहे हैं। मेरे हिसाब से कुछ मतलब हैक वैक लगा रहे हैं, मेरे हिसाब से ऐसे कुछ लग रहा है। यहाँ पर सराइट ऑन देखते हैं क्या करते हैं। यहाँ पर इनको बंदा स्पॉट हुआ शायद से फाल्कन जो कि है यहाँ पर, और पीछे से इनके बंदे आए जोकर, अभी अभी नॉक होकर फिर से रैप हो चुका है। और यहाँ पर इन्होंने हैकिंग करके हील ले ली है, पूरा हील पूरा कर दिया, मतलब कर दिया मतलब कर ही दिया। और इनके पास बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी, सब लोग एक एक गाड़ी में जा रहे हैं। अबे बड़वे साले हट जा, जोकर क्या कर रहा है, फाल्कन को गाड़ी लेने दे, ऐसा फाल्कन के अंदर से निकल रहा है। अबे बड़वे हट जा मादर भागा। तो चलो टीम नंबर 3 के बंदे यहाँ पर जा रहे हैं बहुत ही ब्रिज के नीचे से, पर टीम नंबर 22 और टीम नंबर 3 के बंदे यहाँ पर आपस में भिड़ने ही वाले हैं। टीम नंबर 22 के बंदे यहाँ पर बहुत ही जोर जोर से घुस रहे हैं भाई, दो दो के स्प्लिट में है मेरे हिसाब से ये कॉम्पाउंड पर, और इनको बंदे दिख गए और मेरे हिसाब से ये फाड़ने ही वाले हैं अब। तो यहाँ पर देखते हैं प्रिंस ओपी यहाँ पर सबसे पहले रुका था, और SB वार्डन भी यहाँ पर सबसे पहले रुका था। यहाँ पर किंग ओपी और रशर अभी आए हैं, और ये एनर्जी पूरा का पूरा मतलब कॉम्पिटिटिव इंस्पिरेशन लेके आए हैं भाई। मेरे हिसाब से गांड फाड़ देंगे शायद टीम नंबर 22 के बंदों की। यहाँ पर कुछ उल्टा भी हो सकता है, मतलब प्रिडिक्ट कुछ नहीं कर सकते। और एक बंदा नॉक होता है इनका बंदे का, रशर ओपी जो कि बहुत ही ज्यादा ही रश कर रहा था। तो यहाँ पर देखते हैं प्रिंस रैप देता है या फिर सबकी गांड फाड़ता है। तो किंग ओपी देखते हैं रैप दे रहे हैं यहाँ पर, तो देखते हैं इनके पास आसपास बंदे आ रहे हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर बंदे आसपास तो जरूर आ रहे हैं। यहाँ पर ये बंदा यहाँ पर घुस चुका है, इस बंदे का नाम क्या है वो पहले पढ़ना पड़ेगा हमें। और यहाँ पर एक बंदा फिनिश हो गया क्योंकि इनको पीछे से कोई गांड क्या कर रहा है। तो एक बंदा अलाइव है, दो बंदे अलाइव है, एक बंदा नॉक है, और प्रिंस यहाँ पर बहुत सारे मजे एक साथ ही ले सकते हैं। पर सैम यहाँ तक अभी तक बैठे हैं चुपचाप, पता नहीं किसके बाप बनने वाले हैं या फिर किसके बाप बनने वाले हैं, वो हमें देखना पड़ेगा। और यहाँ पर सैम आ चुके हैं, इनको बंदे भी दिख चुके हैं, पर यहाँ पर कुछ करना नहीं चाहते मेरे हिसाब से। स्कल की टीम पूरी पूरी टीम 11 यहाँ पर पूरी पूरी फैल चुकी है, पर यहाँ पर टीम नंबर 3 के प्रिंस और टीम नंबर 22 के सैम यहाँ पर अपोजिट में आ सकते हैं, और सैम इनको प्रिंस को दिखा है पर, और इनके फुर्सा आ रहे हैं, पर सैम बहुत ही सो गया, पर सैम को किंग ओपी ने नॉक कर दिया। और यहाँ पर पूरा का पूरा प्रेशर आता है दो बंदों पे जो कि है नॉकआउट, और एक बंदा इनका कहाँ मर गया वो हमें देखना पड़ेगा। है ही नहीं, मतलब मर गया क्या फिर बड़े। यहाँ पर देखते हैं नॉकआउट क्या करते हैं, सैम यहाँ पर नॉक है पूरा का पूरा, मतलब मजे से नॉक है भाई, क्या करें यार। और यहाँ पर इमोर्टल बहुत ही मजे ले रहे हैं भाई, बहुत ही मजे में खेल रहे हैं भाई इमोर्टल भाई। यार कहाँ है भाई तुम, अले कहाँ हो यार, दिख जाओ भाई, अले दिख जाओ यार, क्या कर ले, अले 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 बल्लवा मल गया, मिलाप से मिल गया। और यहाँ पर हम जोन से बाहर जाते हैं हम, क्योंकि हमें भी भाई डैमेज हो रहा है थोड़ा दिल में। यहाँ पर टीम नंबर 11 के बंदे गाड़ियाँ
पेड़ के अंदर ही घुसा रहे हैं, पता नहीं कौन सी स्ट्रैटेजी है ये, पर हाँ कुछ तो होगी भाई, इसलिए तो घुसा रहे हैं, वरना उनको थोड़ी ना मजा आता है। तो यहाँ पर देखें ये भी बंदे बहुत ही जोर से घुसा रहे हैं, और यहाँ पर एस बी ने बंदे को मार दिया। और यहाँ पर देखते हैं एवेंजर क्या करता है भाई, यहाँ पर इनका ही बहुत ही जोर से मार रहा है, डीप और हल्की हल्की तो इसने मारी थी है, पर यहाँ पर अभी भी ये बंदा मतलब रुक नहीं रहा कहीं पर भी, मतलब हल्क ओके तब बचा हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं डार्क शैडो को ये राव दे पाते हैं या फिर नहीं, पर नहीं इन्होंने शैडो को राव नहीं दिया बल्कि फिनिश होने दिया, क्योंकि अच्छी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि अगर हमारा बंदा ही बढ़वा रहा है तो हम क्या करें भाई। हमारे टीम नंबर 11 पे ये लोग घुस सकते हैं, पर नहीं टीम नंबर 11 पर ने बहुत ही कुछ ज्यादा स्प्रे भैया, पर कुछ ज्यादा ही आईक्यू लगाते हुए ने सीट चेंज कर ली। अगला मैच क्लासिक है पैराबॉय आदि, हाँ जरूर देखेंगे भाई, अगला मैच क्लासिक है तो क्या करें। तो यहाँ पर देखते हैं के फ्रेजो भी और ये लोग कहाँ कर रहे हैं, मतलब बैठे ही हैं चुपचाप। यहाँ पर टीम नंबर 2 के बंदे नीचे ही कॉम्पाउंड में है, तो ये मतलब कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पर इनके साथ गैंग बैंग भी हो सकता है, पर इनके पीछे बहुत ही घमासान युद्ध होते हुए टीम नंबर 5 के बंदे, यहाँ पर वॉक्स के बंदे इमॉर्टल सोल ओपी इमॉर्टल स्काउट ओपी, देखते हैं क्या कर पाते हैं यहाँ पर, फाड़ पाते हैं यहाँ पर, फड़वा के आते हैं। यहाँ पर टीम नंबर 19 वर्सेस टीम नंबर 5 की हो रही है मेरे हिसाब से, पर टीम नंबर के 19 बहुत ही कम हिल में यहाँ पर मजे ले रहे हैं इनके साथ, पर और यहाँ पर एक बंदा नॉक हो चुके हैं एथिना बनने की कोशिश मत किया करो यार, और यहाँ पर वो पहनते हुए यहाँ पर मावी ने एक बंदे नॉक किया है, देखते हैं इमॉर्टल स्काउट क्या कर पाते हैं, मॉर्टल की पावर्स लाते हैं या फिर इमॉर्टल की लाते हैं इस बंदे पर, पीछे से मावी की गांड किसी ने फाड़ दिया, तो देखते हैं ये नीड परफेक्ट होता है या नहीं। तो यहाँ पर इमॉर्टल की बहुत ही कम एचपी है, बहुत ही कम एचपी, मतलब इतनी कम एचपी में भाई कोई गांड भी फाड़ने गांड भी ना फाड़े, पर इतनी भी है इनका एक बंदा नॉक हो चुका। तो यहाँ पर देखते हैं ये लोग घुस रहे हैं यहाँ पर सामने, इनसे देखते हैं क्या कर पाते हैं, यहाँ पर टीम नंबर 20 टीम नंबर 19 में घुस चुके हैं, और यहाँ पर और एक नीड आया, और मेरे हिसाब से फटने गांड वाली नहीं है। तो यहाँ पर टीम नंबर 20 बंदे चुपचाप क्यों कर रही थी भाई, जब तुम्हें चुपचाप ही चला जाना था मतलब। तो यहाँ पर एक बंदा इनका नॉक करके फिनिश हो जाएगा मेरे हिसाब से, तो यहाँ पर इनके बीच में फाइट हुआ है, सेरेटोन नॉक हो चुका है, और यहाँ पर इन्होंने स्क्वाड वाइप कर दी, तो ये इनको मरने दो, हम जाते हैं सीधा जोन में। अब तब टीम नंबर 15 के बंदों के बीच में और टीम नंबर 25 के बंदों के बीच में फाइट हो सकती है, और यहाँ पर डीप ने वन हिट एवेंजर को नॉक करके फिनिश भी कर दिया, तो देखते हैं वन हिट एवेंजर भैया कहाँ है हमारे। तो यहाँ पर प्ले जोन से मावी फिर से मर चुका है भाई, बेचारा बहुत ही कम बेचारा, मतलब बहुत ही छोटी थी यार उसकी भाई, ऐसा क्यों कर दिया यार तुमने। तो यहाँ पर एक बंदे ने इन सब का मजा ले लिया, वो है भाई वाह कौन है भाई वो, तो देखते हैं यहाँ पर डीप को देखते हैं डीप क्या कर पाते हैं, डीप शायद मेरे हिसाब से मर चुके, तो यहाँ पर बहुत ही कम टीमें बची हैं। डीप यहाँ पर यहाँ पर पीछे से इनकी गांड किसने मारी वो हमें देखना ही पड़ेगा, वह कौन था भाई बढ़वाओ, ओके टीम नंबर 15 ठीक है, नहीं टीम नंबर 23 भी बड़ी हुई, ओए टीम नंबर 11 वो भी खत्म हो गई, वाह गांडू वाह, उसे बोलते हैं प्रो। तो चलो गाइज हम फिर से चलते हैं इन बंदों पे, तो देखते हैं ये बॉय क्यूबीरो क्रिश और कैन वी प्ले नेक्स्ट मैच, भाई स्लॉट फुल है यार, बाद में खेलते हैं हम लोग गाइज अब नहीं। तो यहाँ पर ये टीम चिकन निकालने वाली, यहाँ पर टीम नंबर 2 पे गुजरी है, और टीम नंबर 2 की हालत देखते हैं मेरे हिसाब से स्लोन है, पर इतने बंदे इनकी गांड फाड़ दी, और एक बंदा 9 के एक बंदा 1 एचपी ओपी नीड भाई, जो भी तू था बहुत ही प्रो की तरह खेला, लास्ट में जाके बंदों की गांड फाड़ी दी मतलब तुमने। वी नीड 1-8 लाइनअप भाई, नेक्स्ट वीक से हम लोग करने वाले हैं इस मंडे से मतलब परसों से, तो आपको देखने को मिलेगी हमारी 1-8 लाइनअप, तो देखते हैं यार नेक्स्ट। यहाँ पर देखते हैं फ्लेम बॉय पूरा का पूरा हील ले रहे हैं, और यहाँ पर दया का दीवाना और चंपक लाल गड़ा देखते हैं क्या कर पाते हैं। यहाँ पर दया का दीवाना बहुत ही गांड फाड़ने की पोजीशन, और दया ने गांड मतलब गांड तोड़ दी, क्योंकि ये दरवाजा तोड़ता है तो गांड तोड़ी। तो यहाँ पर देखते हैं चंपक लाल गड़ा क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ओम लेके बैठे हैं, पर दया के सामने और एक बंदा, तो ये नॉक करके फिनिश करते हैं यहाँ पर, तो टीम नंबर 25 के बंदे तीन ही बचे हैं, तो एक और नॉक करके फिनिश होगा, और इनकी टीम पूरी की पूरी टीम नंबर 7 की वजह से पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है मेरे हिसाब से, टीम नंबर 8 के बंदे ने ही एक ने मारा है उनको, तो इसे बोलते हैं इसी के साथ टीम नंबर
छह टीमें बची है अब यहाँ पर टीम नंबर 23। अबे भाई इसके अंदर क्या थी माँ की, हाँ वो भाई। तो यहाँ पर टीम नंबर 8 का बंदा देखते हैं क्या कर पाते हैं। यहाँ पर टीम नंबर 7 के बंदे यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर डासिया आती हुई टीम नंबर 12 के बंदे और यहाँ पर इनको फिर से फैंटम दिख चुका है टीम नंबर 7 का बंदा। तो यहाँ पर स्नोडन ने एक और गलती कर दी क्योंकि फ्लेम बॉय को और एंड के बॉन्ड को पूरी की पूरी मतलब नॉक कर फिनिश कर दिया एक बंदे को। देखते हैं स्नोडन क्या जब कमाल कर पाते हैं और फ्लेम बॉय को और एक बार नॉक कर दिया लेफ्ट की तरफ से और एक नेड आया यहाँ पर और इनकी गांड मतलब फट चुकी है टीम नंबर 23 की तरफ से। तो यहाँ पर देखते हैं ये बदला लेते हैं या फिर स्नोडन यहाँ पर इन्होंने स्मोक किया बेफालतू का क्योंकि भाई इनको शायद या तो फिर इन्हें पोजीशन चाहिए या फिर इन्हें मतलब स्मोक करके बंदे को बचाना था पर वो बेचारा मर चुका। तो यहाँ पर VSS का बहुत ही बड़ा उपयोग क्योंकि गांड फाड़ने में सप्रेसर मतलब इतना बड़ा घुसेगा ना भाई अलग से भी बड़ा सप्रेसर का होता है वो समझ लो मतलब सप्रेसर लगाना ही चाहिए क्योंकि गांड फाड़नी। तो यहाँ पर देखना टीम नंबर 23 के बंदे बहुत ही बिजी हैं ये कुछ भी कर सकते हैं बीच में मजे ले सकते हैं मेरे हिसाब से इनको लेफ्ट में स्मोक करना चाहिए पर कोई नहीं लेफ्ट से इनकी गांड फट चुकी है और फटने पर टीम नंबर टीम नंबर 8 था वो। तो यहाँ पर देखते हैं एसके गॉड और एसके नूब क्या कर पाते हैं यहाँ पर इनको बंदा दिख चुका है स्नोडन हैरी देखते हैं क्या कर पाते हैं उनके पीछे बंदे बैठे हैं तो देखते हैं क्या कर पाते हैं मतलब कुछ नहीं कर पाते भाई हैरी बैठा है लॉन्डा और इन पे बहुत बंदे को स्नोडन ने एक बंदे को नॉक किया यहाँ पर लेफ्ट से ये बंदे को इनको अभी तक पोजीशन नहीं मिला और एक बार नॉक हो चुके हैं यहाँ पर स्नोडन देखते हैं क्या कर पाते हैं हिट मैन स्नोडन और बेचारा हार गया। From Monday one it lineup is there हाँ भाई Monday से lineup बनी है बनने वाली है। यहाँ पर देखते हैं चंपक लालगढ़ा स्नाइपिंग करते हुए बहुत ही बढ़िया मेरे हिसाब से करने वाले हैं ये पर कोई नहीं यहाँ पर चार ही टीमें बची हैं और नॉकड आउट बहुत ही चुपचाप सिचुएशन में जहाँ पर ये मतलब किसी की भी गांड चुपचाप फाड़ सकते हैं मतलब ऐसी गांड फाड़ेंगे कि किसी को दिखेगा भी नहीं और मतलब ये मार के भी चले जाएंगे। तो यहाँ पर टीम नंबर 23 के बंदे और टीम नंबर 8 के बंदे को जोन में आना है बहुत ही बढ़िया तरीके से और यहाँ पर मेरे हिसाब से इस बंदे का चिकन डिनर हो भी सकता है अगर ये सारे बंदे पर यहाँ पर दया का दीवाना ने मेरे हिसाब से इनको स्पॉट कर लिया है या फिर चंपक लाल ने मेरे हिसाब से पर नहीं ये टीम नंबर 23 को देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं नॉकडाउट क्या कर रहा है भाई उनको ये बंदे स्पॉट हो चुके हैं मतलब उनको लग रहा है कि वहाँ पर स्मोक है शायद बंदे आ सकते हैं। तो देखते हैं ये अब तक नीचे ही देख रहे हैं यहाँ पर देखते हैं टीम नंबर 23 के बंदे क्या कर पाते हैं टीम नंबर 22 के बंदे अब तक बैठे हैं। तो यहाँ पर बहुत ही गलत सिचुएशन हो रही है और यहाँ पर टीम नंबर 15 के बंदे बहुत ही खामोशी से बैठे हुए हैं और यहाँ पर देखते हैं ड्रॉप के अंदर क्या है कुछ नहीं बढ़ो और चंपक यहाँ पर वाली और चंपकलाल भी गांड भी तो देखते हैं चंपकलाल की पटी है या फिर नहीं पटी नहीं नहीं इनकी अभी तक नहीं पटी ये मतलब बहुत जोर से फाड़ रहे और केजीएम बहुत अच्छा नॉक और परफेक्ट टोपी ने यहां पर किल चोरी कर लिया टीम नंबर क्या कहें भाई। तो यहां पर दया का दीवाना और चंपकलाल गड़ा की गांड में बहुत बहुत ये मार रहे हैं नॉक आउट और यहां पर डीवीएन हैरी हो एक बंदे को नॉक कर दिया डीवीएन हैरी ने और यहाँ पर पीछे से बंदे जा चुके हैं 249 वाले बंदे के यहाँ पर परफेक्ट है नौ लोग यहाँ पर सामने फाइट कर रहे हैं दया का दीवाना ने यहाँ पर रिकॉर्ड वाइप कर दी और यहाँ पर इसके गॉड टीम नंबर 23 के बंदे ने इनकी गांड फिर से भाग दी। यहाँ पर हिटमैन नॉक है बेचारा एसके गॉड यहाँ पर अलाइव है देखते हैं एसके गॉड जोन में जा पाते हैं या फिर नहीं और यहाँ पर हिटमैन बेचारा जोन से मर गया पर यहाँ पर डीवीएन हैरी को बहुत ही जोर से पड़ते हुए नॉकडाउन ने अपनी पोजीशन रिवील कर दी है देखते हैं ये घुस पाते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर तीन टीमें बची हैं परफेक्ट ओपी यहाँ पर चुपचाप बैठे हैं यहाँ पर केव बहुत ही लूटम लूटी कर रहे हैं पता नहीं इनकी गांड में लूट कब घुसेगी ये मेरे हिसाब से पता नहीं पर गिल्ली वाला बंदा है भाई बहुत सारा लूट तो रखेगा भाई इनकी मर्जी यार हम क्या करें। यहाँ पर देखते हैं परफेक्ट ओपी परफेक्शनिस्ट की तरह करते हैं या फिर नहीं मतलब क्या कर रहे हैं भाई मतलब क्या बोलते हैं गाइस उसे बताओ यार मुझे मतलब मुझे आता है पर मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ मजा कर रहा है परफेक्शनिस्ट मैं गलत बोल गया फिर से बोलो गाइस तुम लोग बताओ मुझे क्या होता है वो मतलब मुझे आता है मैं मजाक कर लूँ गाइस परफेक्शनिस्ट। देखते हैं डीवीएन के बंदे क्या कर रहे हैं डीवीएन के बंदे यहाँ पर घुसने की
कोशिश कर रहे थे, पर इनको मतलब पोजीशन शायद मेरे हिसाब से क्लियरली पता नहीं चल रही है। या भाई ऊपर देखो यार, थोड़ा सा मतलब गांठ फट जाएगी तुम्हारी। तो यहाँ पर देखते हैं डीवीएन यहाँ पर बैठा है चुपचाप, एसके गॉड को सामने वाले बंदों की पोजीशन पता चल चुकी है। यहाँ पर परफेक्ट ओपी घुस रहे हैं, पे नेड आने ही वाला था कि ये मतलब थोड़ा सा राइट लेफ्ट चले गए, तो कोई नहीं। तो यहाँ पर के बहुत ही शांति से बैठे हुए हैं, रेज ओपी यहाँ पर, रेज ओपी सामने नेड आया, इनकी गांठ फटी और ये फटने की कोशिश में और दीवार के अंदर घुसेगा होसड़ी के। चलो कोई नहीं, ये यहाँ पर बैठे हैं चुपचाप बैठे हैं। अबे केव साले कुछ तो चाइनीज वाइनीज बना ले यार गांडू। तो कोई नहीं की मर्जी। तो हमें डीवीएन हैरी देखते हैं, इनको बंदा स्पॉट हो जाए मेरे हिसाब से। नहीं ये गलती करने ही वाले हैं बच्चू, इनको होम दिख रहा है, इनको बंदा। और यहाँ पर होम का फटना फटका लगने वाला था, पर इनकी गांड मस्तियाँ होंगी परफेक्ट की। इन्होंने परफेक्शनिस्ट की मतलब राय नहीं ली, देखा कहीं मुझे आता है यार, तुम लोग मजाक कर रहे थे। तो यहाँ पर देखते हैं नॉकडाउन नीचे कूद चुका है, नॉकडाउन की गांड फटने वाली है मेरे हिसाब से, क्योंकि लेफ्ट में इसने बंदे नहीं देखे और मेरे हिसाब से मारेगा बंदा। अबे बे भड़वे भड़वे क्या कर रहा है यार, अबे ओए ओए सामने बंदे देखते हैं क्या कर पाते हैं। यहाँ पर रेज ओपी, यहाँ पर इनको बंदा दिख चुका है और खत्म। यहाँ पर हैरी पे बहुत गलत ही गलत नेड आ रहे हैं भाई। तो यहाँ पर इनका टीम का बंदा कहाँ देखते हैं, एसके गॉड को शायद मेरे हिसाब से परफेक्ट ओपी दिख चुका है, इसलिए यहाँ पर पैन फेंकने की ट्राई कर रहे हैं थ्रो की, पर नहीं इनको नहीं दिखता अब तक। शायद पोजीशन की रिवील पता चल चुकी है मेरे हिसाब से, ये कुछ ज़्यादा ही मतलब कुछ ज़्यादा ही मूवमेंट कर रहे हैं। मेरे हिसाब से कोई भी जीत सकता है यार, किसी को कुछ नहीं पता। मेरे साथ खेलो देखते हैं भाई, गुड बाय गेमिंग स्लॉट 23। गाइस जो भी लोग स्ट्रीम में हैं जल्द से लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करो भाई जल्दी यार। यहाँ पर टीजीएम के बंदे क्या करते हैं, फेविकॉल लगा के यहीं चिपके रहते हैं या फिर जाके कान फाड़ते हैं अंदर घुस घुस के, तो देखना पड़ेगा ये। तो यहाँ पर हैरी बहुत चुपके से पॉटर पॉटर करने वाला है मेरे हिसाब से, यहाँ पर जोन शुरू हो चुका है और यहाँ पर इसकी गांड फटी गिली वाले की, बोल रहा है गिली गिली हिला हूँ मेरे को बचा ले गांडू। यहाँ पर देखते हैं टीजीएम परफेक्ट ओपी कार बंदे परफेक्ट ओपी भाग रहे हैं और मैच के विजेता हो चुके हैं TGM की स्क्वाड, TGM रेज ओपी परफेक्ट ओपी, TGM केव और टीम BSF रिबूट। तो इनको बिग बिग शॉट आउट भाई, ये सारे हैं गाइस विनर्स। और भाई मतलब मजे लेते ही रहो, और क्या भाई जीत गए तो अब क्या कर लिया हम। ओ भाई हाथ जल गया भाई पूरा। तो चलो गाइस अब हम देखते हैं सामने कुछ क्या लेना गाइस, ये लें गाइस प्लीज भाई एक बार हमें यार भाई आईडी पास डिस्कॉर्ड ज्वाइन करने से मिलेगा क्या। हाँ भाई ज्वाइन कर लो यार तुम्हें मिल जाएगा। दुन्दा पिन दुन्दा पिन दुन्दा एक क्रेट खोलते हैं गाइस, देखते हैं क्या मिलता है। किस्मत का मारा दिल बेचारा, किस्मत का मारा गाइस वी आर लकी रियली वेरी लकी। शायद मेरे पास ये पैन है, शायद मेरे मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं हमारे पास ये नहीं, हमारे पास ये है, ये अच्छा है भाई, इससे तो ये अच्छा दिख रहा भाई। ची ये ची बे माँ की आँख भाई, माँ की आँख पूरा पूरा आँख ही हो। तो चलो गाइस हम लोग खेलते हैं पीसी गेम्स थोड़ी देर के लिए, क्यों नहीं नहीं हम लोग खेलते हैं नाइट भाई खेलोगे क्या और नाइट बीरो। गाइस 6:30 को फिर से एक रॉयल मतलब सॉरी यार आईडी पास आने वाला गाइस, तो आ जाना गाइस। अगर स्लॉट खाली हुआ तो मैं आपको बता दूंगा, वरना तो भाई मतलब हो नहीं सकता। यहाँ पर गाइस बंदों ने लिखा है कि टीम में स्लॉट 2, 22 और 23 खाली है, तो भाई आ जाना है टीम स्लॉट 22 और 23 में, सिर्फ यार 22 और 23 माना क्योंकि वो दोनों ही रजिस्टर नहीं है, बाकी सारे रजिस्टर हैं ठीक है ना गाइस। वेट ठीक है मैं भाई स्टार्ट कर रहा हूँ नॉर्मल सा मतलब। दिल बेचारा फ्रेंडज़ोन कमारा। तो यहाँ पर देखते हैं हम कुछ उखाड़ पाते हैं या फिर नहीं उखाड़ पाते हैं। गाइस जो भी लोग स्ट्रीम में हैं जल्द से लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करो भाई जल्दी यार। तो यहाँ पर पीछे जाना और देख लेना कि भाई मतलब कस्टम रूम कैसे गए हमारे, जो भी जीता है उनको चीयर अप कर देना, उनका मतलब नाम लिख देना Team match, let's go. जल्दी जाओ और पीछे जाके मतलब
रिवर्स करके देख लो यार कि कौन सा बंदा जीता है कौन सा बंदा हारा है। The blue team has scored for the first time. कौन था भड़वा? अरे भड़वे भड़वे ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई कैसे मारा यार भाई स्ट्रीम पे आईडी पास दे दोगे क्या 23 और 23 के लिए स्ट्रीम पे। गाइस देखो यार जो भी लोग नए हैं ना गाइस स्ट्रीम पे सॉरी स्ट्रीम के नीचे डिस्कॉर्ड का लिंक है भाई जल्दी जाओ और वहां पर काम करो। अबे भाई गान फाड़ दी भाई यार सॉरी यार भाई मैं आज भी अपडेट करने भूल गया मेरा डिस्कॉर्ड का लिंक। भाई यार मेरा मतलब थंब काम ही नहीं किया भाई 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 भाई। 625 पे आने वाला है रूम आईडी पास तो देख लेना भाई तुम्हारे साथ क्या और क्या ऐसा क्या क्यों ना उठ गए तेरी गांड में और घांड में के killing spree for the red team injury karna zaruri hai reloading number 2 bhi bhai yaar kitna try clear mai bade mein kaha laga no mercy do ha ha mere piche jayega pad rahe hain guys haga स्ट्रीम में जल्द से लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करो भाई जल्दी यार। एक्सपायर मदरबोर्ड साले बड़वा ब्रो ना गम भैया ऐसे टाइम पे बनाते हैं भैया दिखा कर इसे बोलते हैं नो प्लेयर। ओ भाई क्या बंदा था भाई इसने हैक वन किया था भाई मैं गारंटी बता रहा हूँ माँ कसम बता रहा हूँ मैं गारंटी बता रहा हूँ इस बंदे ने हैक वन किया था कसम से भाई। अब हम क्विक स्कोप ट्राई करेंगे जल्द से जल्द उसके बाद हम भाई किलिंग स्प्री फॉर द ब्लू टीम आते रहो भैया पीछे से आते चलना नहीं था कुत्ता भाई तो लग गया भाई ओ भाई लगी अबे भाई गांड कर रही है मैंने S6 25 पे भाई आईडी पास आ जाएगा भाई ये क्या कर दिया भाई मैंने The red team is about to win मैं भाई थंब में ठीक है ना ओनली थंब बाकी सब में थंब भाई नहीं भाई फिर जल्दी बाहर निकल साले तेरी ऐसे फिर से अरे यार भाई चीबे भाई पूरा का पूरा चीबे एक और लगी नहीं भाई उसको यार ची मैंने दबाया पर लगी नहीं मतलब वो थोड़ा एक थोड़ा सा मिली सेकंड लगता है ना भाई उसको चलो बंदे ने इसकी अरे भाई इसको लग जाती है यार तो अरे भाई इस बंदे ने क्या ही भाई लाइन में दो दो बंदों को मार दिया भाई वाह यार प्रो प्लेयर कवर मी हाफ ऑफ द मैच इज ओवर एंड द रेड टीम इज इन द लीड गाइस इसको लगी भाई सेम
भाई सेम डिस्टेंस हो गया सर भाई। भाई ये क्या है यार ग्लिच भाई ये। नो मर्सी दीप साला फड़वा पड़े आ जा किल तेरी मां क्या फड़वा चला। ओ भाई गन फाड़ भाई नहीं यार डेजर्ट ईगल से कुछ तो करेगा भाई 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 भाई। Killing spree for the blue team. Okay guys welcome भाई हमारी टीम के अंदर welcome. Red team victory. भाई यार ठीक है गाइस 5 मिनट में फिर से आते हैं गाइस तब तक हमारा आईडी पास भी आ जाएगा ठीक है ना गाइस। ओके तो फिर चलो भाई आ रहे हैं गाइस ठीक है ना। Feeling the sun party down shadows walking home walking with classic mind and you look so fine loving the cold smoking rose see your fingers shake and getting through your heartbreak some kind of free same for me don't know what I need don't doubt me babe you make me wanna change break my bed to make me wanna stay Bring
so fine. Loving the cold, smoking rose, see your fingers shake. And getting through your heartbreak, some kind of free, same for me, don't know what. शेयर और सब्सक्राइब करो भाई जल्दी यार, जल्दी मतलब इतना जल्दी कर दो कि भाई मेरी भी गांड फट जाए, मतलब समझ रहे हो ना गाइज, मतलब ऐसा कर दो यार, ठीक है गाइज। और भाई जिनको है ना मतलब मैच देखना है तो भाई बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब मैच होने वाला है। और गाइज कॉन्ग्रेचुलेशंस
फॉर 1.68K क्योंकि भाई हमारे 3 सब्सक्राइबर्स चाहिए थे और 3 सब्सक्राइबर्स बल्कि 4 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं यार हमारे, तो भाई इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है यार। तो गाइज चीयर अप और कॉन्ग्रैट्स सब के लिए गाइज, प्राइड फैमिली को कॉन्ग्रैट्स भाई, सबको गाइज सबको कॉन्ग्रैट्स। और भाई जिनको भी ज्वाइन करना है, आईडी पास अभी थोड़ी ही देर में आने वाली है, तो गाइज ज्वाइन कर लेना यार जल्द से जल्द। और जिनको मतलब हमारी कमेंट कास्टिंग देखनी है ना गाइज, थोड़ी देर पीछे चले जाओ और वहां पर आपको दिख जाएगी मतलब क्या कास्टिंग हम करते हैं या फिर नहीं करते बबुआ, समझ रहे हो गाइज। तो ये सब करना है यार जरूर से जरूर। और भाई मेरे ही नहीं बढ़ते, अरे भाई कोई नहीं यार आप लाइव स्ट्रीम करते रहो कोई नहीं, हारना नहीं है गाइज हमें, मतलब जिंदगी में ना एक हारना नहीं है। मैं खुद एक मोड आया था कि भाई मैं हार चुका था, पर तब क्या हुआ एकदम मेरी लाइन पकड़ गई, मतलब एक लाइन मैं मतलब एक डोर पकड़ दिया मैंने, मतलब एक मतलब गाइज देखो यार हमें है ना मतलब दरवाजे बहुत होते हैं, हमें उनमें से करेक्ट वाला चुनना पड़ता है हम। हाँ भाई मैंने भी बहुत सारे गलत रास्ते चुने, मतलब जैसे कि कभी कभी मैंने गड़बड़ी कर दी, मतलब लाइव स्ट्रीम पे अच्छे से ना वॉइस नहीं जा रही थी, ये नहीं जा रही थी, वो नहीं जा रही थी, बाद में सब कुछ सही हुआ तब भाई मतलब ऑडियो नहीं आ रही थी, मेरी माइक अच्छे से काम नहीं कर रहा था, ये सब हो गए। पर तभी है ना मेरा मतलब एक दिन ऐसा आया कि भाई सब कुछ सही हो गया एकदम, मतलब मैंने किया तो भाई मैंने, पर मतलब समझ रहे हो गाइस कि सब कुछ सही हो गया एक ही दिन में। तो भाई उस दिन मैंने लाइव स्ट्रीम की और उसी दिन से भाई मतलब एक मतलब रस्सी मिल गई मुझे चढ़ने की और भाई मैं आज तक चढ़ रहा हूँ। तो भाई वैसे ही आप भी करते रहो यार, जिनको जो भी लोग नए बंदे हैं ना भाई ट्राई करते रहो यार, कोई नहीं एक दिन सफलता जरूर मिलेगी भाई, करते रहो ट्राई बस। मेरे जैसे कास्टिंग करो, नू पंतियां करो, नू मीम्स वगैरह वगैरह पोस्ट करते ही रहो भाई। और भाई जो भी लोग स्ट्रीम में आए जल्द से लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब हो भाई जल्दी यार। आईडी आई विल सेंड, ओके बीरो से वेन टू सेंड, भाई देखो यार आप सेंड कर दो भाई, 2 ही मिनट बचे हैं सब लोग आ जाएंगे जल्द से जल्द, जल्दी अभी सेंड कर दो भाई, दे दो आईडी पास भाई जल्दी सेंड करो, नितिन भाई जल्दी सेंड कर दो यार भाई, हमारे दोनों भाइयों का भी चैनल है उनको भी भाई सब्सक्राइब कर दो यार, F5 क्लोन वाईटी और भाई किड बॉय गेमिंग 100 उनको भी भाई सब्सक्राइब कर दो जल्द से जल्द भाई, जिनको भी अगर मन लगता है कि उनके कंटेंट अच्छे हैं और अगर वो लोग ग्रो कर पाते हैं तो भाई थोड़ा सा मतलब उनको सपोर्ट कर दो यार, मतलब बहुत बड़ा सपोर्ट करो, मतलब आपकी तरफ से छोटा सपोर्ट कर दो ताकि आप चीटी में ना भाई हाथी की तरह लगने लगेंगी, मतलब ऐसा करो गाइस ठीक है ना गाइस, सपोर्ट करते रहो यार बराबर। तो यहाँ पर हमारे आईडी पास आ चुका है तो गाइस जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो भाई जल्दी यार। मैंने इसको भाई देखो यार पिंड कमेंट पे सबसे टॉप पे रखा है भाई, जल्दी आईडी पास जिसको भी आना है जल्दी आ जाओ गाइस। आईडी है 3605587 और पासवर्ड है DVN कैपिटल सारे के सारे, जल्दी आ जाओ गाइस। गाइज ज़्यादा स्पैम मत करो यार, वो ऑटोमेटिकली डिलीट हमारे मॉडरेटर कर देते हैं भाई, तो ज़्यादा स्पैम मत करा करो ठीक है ना गाइज। चलो हम इनसी थोड़ा मतलब हमारे गाने वाने लगाते हैं गाइज, ऐसा थोड़ी ना मज़ा आता है यार यार मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, मेरा मतलब यार कास्टिंग भी कुछ मतलब कम नहीं यार, गला सूख जाता भाई सच्ची में। अले भैया मत करो वो गाइस, गाना सुना है तुम लोगों ने गाइस, गाना क्या है यार सॉरी उस बच्चे का मतलब मीम, जो ब्लॉग से मैंने जल्द से जल्द लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ठोको भाई जल्दी, मतलब इतना जल्दी कर रहा है कि मतलब समझ रहे हो, गाने के साथ साथ मजा भी मतलब ऐसे ही होना चाहिए गाइस ठीक है ना गाइस। लेजेंड्स नेवर डाई, ओ ओ ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई क्या कर रहा है यार, ओपी 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 ओपी
Pride OP. Pride OP. Gaming बोलते. Never die. जिसको भी ज्वाइन करना गाइस जल्द से जल्द ज्वाइन करो भाई, ताकि हम मतलब ज्यादा से ज्यादा बंदे मिल चुके हैं. और भाई जिनको स्लॉट शॉट नहीं पता भाई, 22 और 23 में जल्दी आओ यार. ओ भाई बहुत बंदे आ चुके बे माँ की आंख भाई. ओपी गाइस क्या ही टीम बनाई है मतलब. तो देखते हैं हमारी वन इट टीम क्या करती है. ब्रो गेस हु विल विन नाउ. कुछ नहीं बोल सकते भाई, कुछ नहीं बोल सकता मतलब. नो गेस, आई डोंट गेस एनीथिंग. मतलब भाई कुछ मतलब डिस्क्रिमिनेशन हो जाए ना गाइस, कि अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हो तो मतलब ऐसा कुछ. Legends Nevo. मैं बोल रहा हूँ ना कौन जीतेगा, प्राइड गेमिंग जीतेगा. इधर समझ रहे हो, प्राइड गेमिंग जीतेगा, कोई नहीं जीतेगा, प्राइड गेमिंग विल विन. तो गाइस हमारी लास्ट मैच की जीतने वाली टीम भाई, जल्दी गाइस जिसको भी आना है टीम नंबर 22 और 23 में जल्दी ज्वाइन कर लो यार. भाई 23 खाली नहीं यार, तो क्या करें अब. स्पेक्टर में आ गया भाई लेजेंड ओपी. चलो गाइस तो अब हम बंद करते हैं. एसबी रशर ओपी सब जीतेगी. अरे हाँ भाई ये तो है भाई. नहीं भाई मैं बता रहा हूँ ना, कोई नहीं जीतेगा, मैं जीतूंगा बस. क्यों भाई डिस्क्रिमिनेशन हो जाए ना यार, कि भाई आप जीत रहे हो, वो जीत रहा है, वो जीत रहा है, सब लोग मतलब बुरा मान जाएंगे. उससे अच्छा भाई मैं ही जीतूंगा ना, सबसे बेस्ट भाई. कोई नहीं, और लास्ट मैच की जीतने वाली टीम है कहाँ भाई, कहाँ भाई, कहाँ भाई, कौन सी टीम ने, मैं वो भी भूल गया. मजाक कर रहा हूँ, मुझे याद है पर कौन सी थी. ये भाई बंदा नॉकड आउट, इसने भाई बहुत ही रुलाया यार. इसका फेस मतलब इसका फेस नहीं, जनता को रिवील नहीं करना है, ऐसा मतलब पबजी ने संदेश दिया है हमको. तो देखते हैं क्या होता है. अब सीन देखते हैं इस मैच के. ये है रैंगल भाई, इसका मैप वगैरह वगैरह सब कुछ देखना पड़ेगा गाइस. यार रशर भाई यार क्यों भाई ऐसा क्यों करते हो यार. तो बट बहुत सारी टीम्स आई हैं गाइस, 68 मेंबर्स ज्वाइन हो चुके हैं अब तक के. यहाँ पर हमारी टीम आ चुकी है 18. तो देखते हैं वो भी मतलब क्या उखाड़ लेती है सर्वर का पूरा, मतलब उखाड़ती है या फिर उनका उखड़ जाता है खुद का सर्वर बोल्ट वगैरह जो भी है. मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, अच्छी टीम्स है सारी की सारी. यहाँ पर देखते हैं क्या होता है. और यहाँ पर प्लेन पाथ अब तक नहीं बना, पर बंदे देखो यार मतलब मजे ही आ रहे हैं पूरे पूरे. इस बंदे को देखते हैं ये क्या कर रहा है, यहाँ पर उछल कूद कर रहा है गांडूल. तो चलो कोई नहीं यार, ये बेचारा अब तक नहीं आया, बेचारे का सर्वर स्लो है, मतलब सॉरी सर्वर क्या है यार, मतलब नेट स्लो है बेचारे का. मतलब कोई नहीं, उठता रहता है, उठता है, सब कुछ उठता है. जो भी लोग मैंने जल्द से जल्द क्या करना तुम्हें यार, चार बार बता चुका हूँ इस एक मिनट में. लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जोर से ठोको, मतलब इतना जोर से ठोको भाई फेविकॉल भी बोले. फेविकॉल से जी नहीं, फेविबॉन्ड से हाय बीरो भाई, ब्रो वेलकम टू द स्ट्रीम बीरो, वेलकम टू द स्ट्रीम गाइस जो भी लोग नए. और यहाँ पर हमारा प्लेन पास जा चुका है प्रिमोस क्वारी और फेरीफायर और गटका के बीच में से पोचिंगी की गांड फाड़ते हुए मैंशन को, मैंशन की भी फाड़ते हुए ये लिपोका के और यासना के बीच में जाके रुक रहा है, मतलब कामेश की और लिपोका के बीच में. तो यहाँ पर देखते हैं कौन सी टीम सबसे पहले उतरने वाली है. और टीम 22 हमारी वन हिट क्लैन उतर चुकी है. और यहाँ पर टीम नंबर 21 भी उतर चुके, टीम नंबर 19 भी उतर चुके, टीम नंबर 15 भी उतर चुके, टीम नंबर 17 भी उतर चुके, टीम नंबर 10 भी उतर चुके, टीम नंबर 9 भी उतर चुके. वो भाई कितने बंदे उतर रहे हैं. और यार यहाँ पर टीम नंबर 6 के बंदे जा रहे हैं मेरे हिसाब से शायद गटका के आसपास या फिर. और यहाँ पर टीम नंबर 22 भाई पता नहीं कौन सा सस्ते नशे कर रही है, कहाँ जा रही है देखना पड़ेगा. और यहाँ पर टीम नंबर 15 जा रही है मेरे हिसाब से पोचिंग की जाने वाले. और टीम टीम इंड यहाँ पर अकेली की अकेली प्रिमोस जा रही है. और यहाँ पर टीम नंबर देखना पड़ेगा भाई मतलब क्या बंदे क्या कर रहे हैं. मतलब यहाँ पर कालीन भाई और ये लोग तो मतलब उतरे ही नहीं है. एस बी रशद भाई यहाँ पर ये लोग उतर चुके हैं. यहाँ पर गटका के शायद मेरे हिसाब से नहीं यहाँ स्टार्टिंग में उतर लो भाई, क्या ही स्ट्रैटेजी. और यहाँ पर देखते हैं टीम स्काउट कहाँ उतरने वाले, ये लोग शायद मेरे हिसाब से हॉस्पिटल उतरने वाले. तो हाँ भाई नहीं अपार्ट उतर रहे हैं वो भाई वो. यहाँ पर देखते हैं मिस्टिक बीटा कहाँ उतरा है, एक बेचारा अकेला बंदा टीम का, ये पता नहीं भाई कोई डिसलोकेशन की जगह भी बैठा है. और यहाँ पर सी पी एस जोकर ईवी ईएक्स की टीम यहाँ पर बैठी है, जॉर्जो जाने की तैयारी कर रही है मेरे हिसाब से. वर्क्स की टीम यहाँ पर बैठी है रोजॉक के
टीम नंबर 13 यहाँ पर बैठ चुकी है दया देवान और चंपक लाल गढ़ा की टीम यहाँ पर बैठ चुकी है। टीम 15 लास्ट प्लेयर, हाँ भाई वो बेचारा अकेला बंदा यार बेचारा। यहाँ पर देखते हैं निकल ने एक बंदे को नॉक किया हुआ भाई, टीम नंबर 22 के निकल ने एक बंदे को नॉक करे फिनिश भी कर दिया। यहाँ पर क्लोन भी मर चुका है, पता नहीं कैसे मरे पर देखना पड़ेगा क्या हुआ इनके बीच में से, किससे इन्होंने फाइट लिया देखना पड़ेगा वो भी। और यहाँ पर फ्लेम बॉय ने आते ही एक बंदे को नॉक कर दिया यहाँ पर स्टार्टिंग में। भाई उतरते ही भाई इतनी जोर से मत फाड़ा करो यार, मुझे भी दर्द होता है यार, ऐसा मत करो यार प्लीज, मुझे ढूंढने में मतलब दिक्कत होती है यार कि भाई फ्लेम बॉय किसका बंदा है। तो यहाँ पर ये लोग बैठे हैं यासिना या पोलियाना में, तो भाई अब बे 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 भाई भाई टीम नंबर 11, टीम नंबर 25, टीम नंबर 24 और टीम नंबर 14 और टीम नंबर 8, पांच स्क्वाड सिर्फ इसी यासिना या पोलियाना में है। तो यहाँ पर एसके गॉड मावी यहाँ पर सोलो सोलो अटक चुके हैं इन बंदों के बीच में। मेरे हिसाब से एसके गॉड की गांड अब फटने वाली है मेरे हिसाब से टीम नंबर 14 और टीम नंबर 25 के बीच में। तो यहाँ पर देखते हैं गॉड फेट बस्टर क्या कर रहे हैं, फेट बस्टर के ऊपर बंदा घुस चुका है, देखते हैं वो कौन गांडू है। तो ये रहा गॉड मार्कस, इन्हीं का बंदा है भाई, क्यों डर रहा है यार बेचारे बंदे। तो यहाँ पर इसको पोजीशन पता है टीम नंबर 14 की, तो ये बंदा भाई स्मोक करके मेरे हिसाब से निकलने वाला। तो देखते हैं टीम नंबर 14 का ये बंदा, इसे पोजीशन सब कुछ पता है इसलिए भाई M4 रखे हो भाई, गॉड गन गॉड गन, मतलब इतनी गॉड गन भाई कहाँ से लाते हो। यहाँ पर देखते हैं टीम नंबर एसके गॉड को देखते हैं, फैलकन ने और एक बंदे को नॉक किया है भाई, क्या ही गांड फाड़ रहे हो भाई तुम लोग यार, क्या ही मतलब क्या कर रहे हो यार तुम मतलब। और एक बंदे को निकल ने एक बंदे को नॉक कर दिया, स्लेयर ने एक बंदे को खत्म कर लिया है। तो भाई फैलकन के होते हैं अब 3 किल, निकल के हो चुके हैं 1 किल और स्लेयर के हो चुके हैं 0 किल, मतलब इस बंदे ने फिनिश कर दिया एक बंदे को भाई। इनपे भी अच्छी लूट हो चुकी है, निकल पे है एक एम, इनपे है M4 उजी, इस पे है एक एम उजी और उस पे है ओनली M4 फाल्कन पे। देखते हैं कौन सी कौन है डीपी और विक्टर जिनसे ये लोग गांड फाड़ ही रहे हैं मतलब। यहाँ पर देखते हैं टीम नंबर 15 के बंदे क्या कर पा रहे हैं, यहाँ पर लुल्ली बॉय यहाँ पर बैठा है भाई, क्या कर रहा है बंदा भाई। यहाँ पर देखते हैं पोस्टिंग के में ये लोग मजे ले रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं पर कोई नहीं। तो यहाँ पर जोन निकला बहुत ही बड़ा बेवफा, यहाँ पर कुछ अलग ही सीन कर दिया इन लोगों ने मतलब जोन वालों ने भाई, क्यों किया भाई ऐसा मतलब, क्यों बेचारों के साथ क्यों किया। तो यहाँ पर चलते हैं सीधा का सीधा हम लोग जाते हैं टीम नंबर 8 की तरफ जो कि यासना में बैठी है। तो यहाँ पर देखते हैं टीम नंबर 8 के बंदे को, तो यहाँ पर टीम राइट साइड में बहुत ही घमासान युद्ध होते हुए। तो देखते हैं यहाँ पर ये बंदा क्या कर पा रहा है, देखते हैं यहाँ पर डायनामाइट और यहाँ पर इनके बंदे क्या कर पा रहे हैं देखते हैं, हमें देखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर टीम नंबर 14 के बंदे, टीम नंबर 25 के बंदे पीछे फॉल बैक मार रहे हैं, इनका एक बंदा नॉक है और फेट बस्टर यहाँ पर रहा भी होने वाला है। पर यहाँ पर टॉप पे जो बंदा बैठा है अनीश, जो कि पूरी की पूरी तैयारी कर रहा है बंदों के घुसने की प्रिपरेशन की, पर यहाँ पर टीम नंबर 25 के बंदे भाग चुके हैं यहाँ से गाड़ी उठाकर, क्योंकि इन्हें पता है कि भाई अब गन तो है नहीं तो हमें गांड फटने वाली है, और चुपचाप भागने भी वाला है। तो यहाँ पर देखते हैं टीम नंबर 2 व्यक्ति क्या कर रहे हैं, देखते हैं भाई यहाँ पर 2 व्यक्ति कहाँ आ गए, कहाँ आ गए। तो ये लोग भाई यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर ये लोग लूट करना चाहते हैं मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर देखते हैं स्नोडन ने 4 बंदों को एक ही साथ, भाई क्या 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 मतलब कर क्या रहे हो यार, इतना जोर से मत मारा करो यार। तो यहाँ पर इस टीम के हो चुके हैं 5 के किल, 5 किल और यहाँ पर 73 बंदे लाइव हैं और 23 टीम्स अब तक लाइव है इस पूरे के पूरे रैंकिल में। तो देखते हैं इनके साथ क्या हो रहा है। और यहाँ पर टीम नंबर 11 है बाइटी है चुपचाप और यहाँ पर टीम नंबर 14 देखते हैं क्या कर पाती है। और यहाँ पर ये लोग कुछ नहीं कर रहे, चुपचाप मतलब लूट ही कर रहे हैं भाई, कितनी देर से मतलब लूट करोगे यार, इतना तो भाई मैं भी नहीं करता यार, कसम कोई नहीं अपनी अपनी स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पर टीम नंबर 8 देखते हैं, इन पे घुसने की मेरे हिसाब से कोशिश कर रही है, शायद से मेरे हिसाब से इनके सामने से रोड से नहीं जाएगी, पर ये कुछ अलग स्ट्रैटेजी इनके मुताबिक लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या बंदे कहाँ कहाँ बैठे, तो अगर ये लोग यहाँ या फिर लेफ्ट से कहीं से जाते हैं तो कुछ हो सकता है, पर कोई नहीं इनकी मर्जी भाई कहाँ से जाते हैं ये लोग। तो देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डायनामाइट को देखते हैं नूब डायनामाइट यहाँ भाई, ओ भाई क्या ही एंगल मिला था, अब हमें कवर करना चाहिए था और हमें कवर कर ले भी लिया। तो यहाँ पर फैंटम के मजे ले लिए हैं इमॉर्टल स्काउट ओपी ने। तो देखते हैं ये बंदा क्या कर रहा है भाई यहाँ पर। तो टीम नंबर 4 के ये लोग रोजॉक में बैठे हैं, टीम नंबर 4 के बंदे यहाँ पर मेरे हिसाब से अकेला ही बंदा बैठा है टीम नंबर 7 का। तो इनका और एक बंदा कहाँ मर गया वो हमें देखना पड़ेगा जल्दी, और वो बंदा वहाँ पर बैठा ईएलडो रेडो भाई, ईएलडो रेडो भाई क्या रोनाल्डो रखना था क्या भाई, तुम्हारा नाम क्या था भाई जरा बताओगे मुझे। ओ ये ओ तो चलो गाइस अब ये लोग पुश करते हैं या फिर नहीं ये हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर
यूएनओपी एम्पायर, ये भाई कौन सी टीम है यार, टीम स्काउट बिग, कितने अलग अलग नाम भाई, ठीक है। ये यहाँ पर डिफरेंट टीम देखते हैं क्या करते हैं, तब ऊपर से इनकी गांड फाड़ने के लिए टीम नंबर 15 के बंदे आ चुके हैं और यहाँ पर इनको अब तक स्पॉट नहीं हो पा रही, ये लुल्ली बॉय की फाड़ दी, लुल्ली की छोटी लुल्ली कर दी इन्होंने मार मार के। ओके लुल्ली यहाँ पर नहीं मरा है, मतलब निकल ने एक बंदे को मारा, तो देखते हैं निकल क्या कर रहा है यहाँ पर। तो निकल यहाँ पर जा रहा है सामने घुसने पे बंदों पे और नॉकआउट बंदे को मार दिया जो कि कैंपिंग कर रहा था यहाँ पर। तो यहाँ पर मैक्स विने पे ये लोग क्या जुल्म करते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। प्लेयर यहाँ पर खत्म हो सकता है एक ही झटके में, पर स्लेयर ने कतई जहर फास्ट रिफ्लेक्स मतलब गन चेंज की और गांड फाड़ दी। टीम नंबर 9 दिखाओ प्लीज। तो यहाँ पर देखते हैं टीम नंबर 9 क्या कर रही है। तो टीम नंबर 9 के बंदे यहाँ पर बैठे हैं चुपचाप, यहाँ पर लुल्ली बॉय देखते हैं, लुल्ली बॉय फाइट कर रहा है। तो देखते हैं टीम नंबर 15 के शायद मेरे हिसाब से, हाँ तो ये रहा लुल्ली बॉय। तो लुल्ली बॉय ने दो बंदों नॉक किया, एक बंदे को फिनिश कर दिया इसमें। टीम नंबर 4 के बंदों को, ये हैं 15 के बंदे, इन्होंने मतलब मारा है इनको ऊपर से नीचे घुस रहा है। यहाँ पर ये बंदा वहां से बैठा है, ये पता नहीं घुस के यहाँ पर क्या करेगा। अरे इनके सामने सारे लाए इसको फिनिश कर दिया डायरेक्ट, और यहाँ से मेरे हिसाब से ऊपर से बंदे घुसने वाले हैं, पर यहाँ से और एक बंदा आया और ये यहाँ पर घुसने वाला है, इसको भी दिखा, ये गोहर भी नॉक हो चुका है। यहाँ पर शहर देखते हैं क्या करते हैं, ये भी बंदा मेरे हिसाब से नॉक नहीं हुआ बल्कि गांड फाड़ दी बंदे की। तो यहाँ पर देखते हैं इमॉर्टल और ये बंदे क्या करते हैं, एक्स आर शहीद यहाँ पर मतलब शहीद हो गया बेचारा, मतलब नॉक हुआ शहीद तो नहीं हुआ, चलो कोई नहीं। यहाँ पर देखते हैं नंदिनी क्या करते हैं, उज्जवल और विजयशु, विजयशु और नूड, नूडी नूडी एसओपी क्या करते हैं। तो यहाँ पर ये लोग पूरा का पूरा जॉर्जपुल मतलब खा ही जाएंगे, मतलब लेफ्ट राइट कुछ नहीं छोड़ा उनका। लुल्ली बॉय के 2 किल हो चुके हैं, इस टीम के पूरे पूरे 4 किल हो चुके हैं। यहाँ पर 20 टीमें बची, मतलब तीन स्क्वाड यहाँ पर जा चुकी है। और यहाँ पर दया का दीवाना चंपक लालगढ़ा मतलब पूरे मजे में लूट रहा है, मतलब पूरे मजे में, इतना मजे में भाई मैं भी नहीं लूटा। यहाँ पर देखिए फ्लेम बॉय क्या कर रहा है, यहाँ पर फ्लेम बॉय फिर से खंड फाड़ रहा है बंदों की। यहाँ पर फ्लेम बॉय पूरा का पूरा 1 HP हो चाहिए, ये बंदे घुस रहे हैं इन पे। यहाँ पर ये बंदा जिम्मेदारी कर रहा है, तो यहाँ पर वैक्सी ओपी बैठा है, यहाँ पर इनके नीचे बंदे बैठे हैं, तो यहाँ इनके कौन बैठे हैं और इस पे वहाँ बंदे घुसने वाले हैं। मेरे हिसाब से देखते हैं इस बंदे को, इस बंदे पे कौन सा प्रेशर पड़ा है, और सामने से बंदे नेड करने वाले हैं, पर ये बंदा कुछ पावली गांड हो गया इसका, हाइपर पोसेटिक मतलब पूरा मतलब सीन ऐसा ही हो गया, मतलब बेचारा डर ही गया मतलब। तो यहाँ पर ये बंदा बाहर जाते हुआ और पीछे से बेचारे की घाण मार रही बंदों ने, साले भड़वो तुम्हारी माँ की आँख, साले क्यों मारा यार बेचारा भाई, चुपचाप जा रहा है मुझे क्यों मारा भड़वो। तो चलो कोई नहीं, होता रहता भाई, ओपन में गया क्यों बेचारा, इतना बेचारा है तो चलो कोई नहीं, उसे बेचारे कुछ पता नहीं था, पर कोई नहीं होता रहता है फाइट में, अक्सर ऐसा सब कुछ होता है। तो यहाँ पर एक ही नेट से पूरी की पूरी टीम की गांड अभी जस्ट फट सकती है। तो यहाँ पर देखते हैं स्पेक्ट इमॉर्टल प्लीज। तो यहाँ पर देखते हैं वो लोग कहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर मेरे हिसाब से, और लुल्ली बॉय ने और एक बंदे को यहाँ पर नॉक कर दिया। तो देखते हैं लुल्ली बॉय ने किससे पूछा है। तो यहाँ पर ये लोग गुजर रहे हैं टीम नंबर 25 के बंदों के, जो कि है बीटीवी और फास्टर बॉय। तो यहाँ पर देखते हैं इनके बीच में कैसा फाइट होती है, और यहाँ पर ये चुपचाप बैठा है, इनको पोजीशन नहीं बताई, ये वहीं पर देख रहे हैं, पर पीछे से भाई पीछे से तुम्हारी गांड मारी, पर लुल्ली बॉय ने एक ही झटके में मार ली और शहीद शहीद होने से फिर से बच गया। पर चलो कोई नहीं, लुल्ली बॉय बहुत अच्छा खेल रहा है, मतलब कुछ ज्यादा ही गांड फाड़ता भाई। तो देखते हैं टीम के कितने स्क्वाड हो गए, टीम के 8 किल हो चुके हैं पूरे पूरे, और 4 स्क्वाड खत्म हो चुके हैं यहाँ पर। तो देखते हैं अब वो 2 बंदे कहाँ हैं जो हमारे चैट में अब चल रहे हैं पूरे पूरे टॉप पे। तो यहाँ पर देखते हैं इम्बा धोनी, देखते हैं क्या कर पाते हैं यहाँ पर। इम्बा धोनी यहाँ पर घटका के आसपास कहीं है मेरे हिसाब से, नहीं ये लोग कहीं और ही सबसे नशे करके बैठे हैं, मतलब कहाँ पर। ओके तो ये लोग ब्रिज मिलिट्री के ब्रिज के आस पास है भाई, भाई 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 ये क्या करें भाई, वो भाई चला रहे हैं। यहाँ पर नू व्यक्ति ओपी देखते हैं क्या कर पाते हैं, यहाँ पर नू व्यक्ति ओपी ने एक बंदे को नॉक किया, टीजीएम रेज ओपी ने एक और बंदे को नॉक किया। तो नू भाई कहाँ हो यार तुम लोग भाई, तो ये लोग फ्लेम की टीम के हैं। तो अच्छा, तो इन्होंने टीम नंबर 14 की स्क्वाड को भी मेरे हिसाब से खत्म कर ही दिया, क्या ही घुस घुस के मार रहे हैं यार ये लोग। तो इनके 11 टीम किल्स हो चुके हैं। तो देखते हैं अब ये मतलब आगे जाके क्या कर पाना है। यहाँ पर मिस्टिक बीटा देखते हैं क्या कर पाना है, यहाँ पर मिस्टिक बीटा सोलो बंदा बेचारा बेचारा
गम से भाई बेचारा लूट 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 बेचारा पक गया होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं सीएसपी जोकर क्या करता है, ये लोग बैठे हैं गटका पे, परफेक्ट गटका पे, यहाँ से ये लोग निकल रहे हैं। और यहाँ पर देखते हैं फाल्कन ने और एक बंदे को नॉक किया। भाई फाल्कन यार गांड ही मार लो, मतलब नहीं भाई इतना जोर से क्यों मार रहे हो यार हमारी, मतलब नहीं भाई ऐसा क्यों मार रहे हो, मतलब यहाँ पर टीम नंबर 12 के बंदे और स्लेयर यहाँ पर घुस गए बंदों पे। तो देखते हैं यहाँ पर सोहेम एल के सोहेम और ये लोग क्या कर पाते हैं। तो यहाँ पर व्यू से तो यहाँ पर देखते हैं निकल क्या कर रहा है, यहाँ पर निकल जा रहा है मेरे हिसाब से। निकल अब गांड मार के बोलेगा निकल भड़वे भूत। तो और यहाँ पर स्लेयर की गांड फाड़ दी और यहाँ पर देखते हैं बाहर कुदा शैडो, यहाँ पर शैडो देखते हैं क्या कर पाता है, यहाँ पर नॉक कर पाता है या फिर हमारे निकल ने बोला निकल भड़वे, शैडो ने बोला निकल भड़वे और उसको निकाल दिया। और फाल्कन भी यहाँ पर पूरा का पूरा, पर पीछे से कौन भड़वा था, ये एफटी टीम नंबर 2 के बंदों ने इनकी गांड। नंबर 1 टीम को दिखाओ, टीम नंबर 1 प्लीज। तो टीम नंबर 1 को देखते हैं भाई, टीम नंबर 1 है ही नहीं तो मैं क्या दिखाएं। स्मोकी ओपी देखते हैं यहाँ पर क्या कर रहा है, स्मोकी ओपी यहाँ पर मेरे हिसाब से घुसने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर डायनामाइट के कितने बंदे बाकी हैं ये हमें देखना पड़ेगा जरूर से जरूर। तो यहाँ पर सोहम बहुत ही पर इन्होंने चांस गवा दिया। और यहाँ पर टीम डीआर टीम डार्क शैडो यहाँ पर किसी की भी गांड एक क्षण में फाड़ सकता है क्योंकि ये स्टेप पे बैठा है, पर यहाँ पर मेरे हिसाब से ये लोग इनकी गांड फाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। स्नैक्स यहाँ पर घुस रहा है धीरे धीरे, पर इनको अब तक पोजीशन नहीं पता ये लोग सोच रहे हैं। पर भाई अंदर घुसा दिया इनकी और इनकी गांड फटके हाथ में आ गई, पर पीछे से इनकी गांड कोई मारने में और इनकी मार ली टीम नंबर 6 ने। तो भाई मैं बता रहा हूँ ना गाइस, इस मैच में बहुत बंदे एक दूसरे की मार रहे। तो यहाँ पर देखते हैं लुल्ली बॉय ने एक बंदे को फिनिश किया, यहाँ पर बहुत बंदे टीम नंबर 23 के बंदे यहाँ पर पूरे के पूरे घुस रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं लुल्ली बॉय क्या कर पाते हैं, यहाँ पर टीम नंबर 23 के बंदे बहुत ही अच्छे तरीके से घुस रहे हैं मेरे हिसाब से। पर यहाँ पर मजे मेरे हिसाब से आ रहे हैं भाई ऊपर चले जा रहे। और लुल्ली बॉय ने एक बंदे को नॉक किया, दूसरा बंदा आया पर इसने एक कैम निकाल के बंदे की गांड ही मार ली। नहीं मतलब मार ही लो ना, नहीं मतलब क्या कर रहे हो मार ही लो। यहाँ पर देखते हैं टॉक्सिक क्या कर पाता है, यहाँ पर ये लोग चुपचाप बैठे हैं ब्रिज कैंप करते हुए, मेरे हिसाब से ये लोग ब्रिज कैंप की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर मेरे हिसाब से ये लोग रोजो के आसपास बैठे हैं जो कि अब मतलब पहले थी लुल्ली बॉय की टीम। तो यहाँ पर देखते हैं ये लोग क्या कर पाते हैं, ये लोग टीम नंबर 11 के बंदे यहाँ पर ओपन में खड़ा है बेचारा। और मेरे हिसाब से इसको शायद आवाज नहीं आई, वरना आती तो ये जरूर गांड फाड़ता, पर ये कुछ ज्यादा ही मेरे हिसाब से लग रहा है मुझे। और यहाँ पर पहला बंदा नॉक, दूसरा रेज ओ भी क्या कर पाया देखना पड़ेगा हमें, रेज ओ भी यहाँ पर कवर लेते हुए गाड़ी का। और यहाँ पर बंदे घुस रहे हैं, ये बेचारा फालतू का इसी के बंदे को मार रहा है, ये बेचारा डर रहा है, इसकी गांड में बुलबुले उठ रहे हैं कि भाई मर ना जाऊं। प्लीज से हाउ डिड वी परफॉर्म, भाई वेरी वेल यार, सब लोग बहुत ही अच्छा अपना बेस्ट किया इसमें कुछ नहीं। पीछे से टीम नंबर 20 के बंदे बहुत ही जोर से फाड़ रहे हैं यार। यहाँ पर देखते हैं ये बंदा घुस चुका है गाड़ी लेके, नूब डायनामाइट लेफ्ट पूरा का पूरा चंपक लाल गड़ा ने और एक बंदे को मारा फ्लेम ऑफ। यहाँ पर नूब वैक्सी ओपी नॉक हो चुका है, इन्हीं का बंदा है परफेक्ट ओपी। यहाँ पर देखते हैं इन्हीं का बंदा क्या कर पाता है, यहाँ पर नूब डायनामाइट यहाँ पर पूरा का पूरा चक्कर लगा के है भाई। तो भाई मतलब गाड़ी में बैठे क्यों थे, मरवाने मतलब क्या कर लिया यार। पीछे से इनके बंदे आ चुके हैं, बैकअप इनको मिल चुका है बहुत ही बढ़िया वाला। तो यहाँ पर देख रहे हैं स्नोडन लास्ट से लास्ट मतलब परसू की मतलब कल की यार सॉरी कल के मैच जीतने वाली टीम अब क्या करती है, स्नोडन ने एक बंदे को नॉक किया बहुत ही बढ़िया तरीके से, रेज ओपी और परफेक्ट यहाँ पर गांड फाड़ने में पूरे मतलब तुले हुए हैं, मतलब मेरे हिसाब से ये फाड़ करेंगे। पर देखते हैं परफेक्ट ओपी यहाँ पर क्या आ रहा है, परफेक्ट ओपी मेरे हिसाब से स्नोडन नहीं, स्नोडन ने इनकी गांड ही मार ली मतलब। यहाँ पर टीजीएम फिर से नॉक हो चुके हैं और यहाँ पर रेज ओपी पर और एक बंदा नॉक हो चुका है और यहाँ पर रिबूट भी खत्म हो चुके जो कि रहा वाला बंदा था। यहाँ पर सारी की सारी टीम्स खत्म होते हुए तो देखते हैं अब टीम नंबर 9 टीमें बची है और यहाँ पर देखते हैं फ्लेम बॉय और ये लोग क्या कर पाएंगे। टीम नंबर 6 के बंदे सामने ही जस्ट सामने इनके प्रो ने मेरे हिसाब से, पर नहीं ये बहुत ही दूर है भाई, कुछ ज़्यादा ही दूर है भाई, इतना दूर कौन होता है यार, मर वो सारो। तो हम चलते हैं टीम नंबर 5 के बंदों की तरफ। टीम नंबर 5 का बंदा बहुत ही शांति से बैठा है यहाँ पर, किसी को कुछ भनक नहीं लगने दे रहा। तब तक हम चलते हैं टीम नंबर 5 के बंदे पे, चुपचाप भी बैठा है बेचारा। टीम नंबर 6 यहाँ से जा रही है, टीम नंबर 9 के बंदे यहाँ पर मिल्टा पे
मेरे हिसाब से इनको शायद बंदे दिख चुके हैं, स्पॉट हो चुके हैं इनके, इनको दिख चुके, स्पॉट हो चुके हैं इनको। चंपक लाल गढ़ा यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दया का दीवाना। ये टीम स्कूल से भागते हुए आ रही है पूरी की पूरी। ये सेंट्रैक्स ने और एक बंदे को रोक किया, देखते हैं ये कहाँ बैठा है, और परफेक्ट तुक्का लगते हो। और ये लोग यहाँ पर खत्म ही कर गए, मां की आंख भाई। यहाँ पर टीम नंबर 18 के बंदे इजीली स्पॉट हो सकते हैं टीम नंबर 9 के बंदों से। इनको अब दिखने लग गए हैं बंदे मेरे हिसाब से, पर इनको करेक्ट आइडिया नहीं है कि वो लोग बंदे हैं या फिर नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पर ये क्या कर पा रहे हैं। और यहाँ पर ये तो भाई मतलब दीवार के अंदर ही घुसने लगा भाई, घुसड़ी गांड में घुसा देना भाई, मतलब अंदर ही घुस जा भाई, क्या कर रहा है यार बंदे भाई। प्रो प्लेयर भाई ऐसा मत करा कर यार, मेरी गांड जलती है, मैं सोचता हूँ साला मैंने ही यकीन नहीं की पूरी सीजन में। तो यहाँ पर टीम नंबर 18 के बंदे बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से एक बंदे को मारते हुए बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि इनके दो किल हो चुके हैं अब। कोई नहीं, कोई बात नहीं, होता रहता होता रहा, सब कुछ होता रहा। और इनका बंदा आया, इनको गाड़ी में बिठा, सॉरी गाड़ी में बिठाया और भाग गया भाई, क्या बोल रहा हूँ यार। तो यहाँ पर देखते हैं ये कौन है, गोबिता के क्या बोल रहा है यार भाई, बहुत नॉटी हो रहे गाइस, नॉटी नॉटी पूरा। तो यहाँ पर देखते हैं हाई ब्रीड के बंदे कहाँ बैठे हैं, हाई ब्रीड के बंदे पूरे पूरे शांति से जोन से बाहर बैठे हैं ये बड़े। तो यहाँ पर देखते हैं टीम नंबर 23 के बंदे क्या कर पा रहे हैं। फॉक्सी यहाँ पर बैठा है, इनके ही सामने थोड़ा सा ड्रॉप पड़ा है, पर ये लोग पता नहीं क्या करेंगे, ड्रॉप लूटेंगे पर नहीं, इन्होंने ड्रॉप नहीं लूटा भाई। मैं तो चेक करूंगा, तुम चाहे गांड मारो, मैं भाई अपना ड्रॉप जरूर लूटूंगा, तुम मर जाओ, जाओ मर जा बड़े, मर जा। तो यहाँ पर से और एक गाड़ी डासी आ रही है, पर कोई नहीं, हमें कुछ मतलब नहीं, हमें भाई ड्रॉप चेक करना है भाई, ड्रॉप कहाँ है भाई। ये लो ड्रॉप के अंदर कुछ नहीं, भड़वों ने कुछ नहीं छोड़ा, मदर बोर्ड है भाई ये लोग। तो यहाँ पर टीम नंबर 6 का भी बंदे यहाँ पर क्लोजिंग कर रहे हैं, देखते हैं टीम नंबर 6 के बंदे और ये लोग फाइट करते हैं यहाँ पर। नहीं, ऊपर ऊपर जा रहे हैं भड़वे की औलादे साली, ऊपर ऊपर जा रहे हैं। तो क्या फ्लेम बॉय सामने आ चुका, इनके सामने इनकी गांड फटने वाली है मेरे हिसाब से। तो देखते हैं फ्लेम बॉय के सामने किसके अंदर आता है। तो यहाँ पर और एक स्क्वाड टीम नंबर 23 भी यहाँ पर बैठी है। तो देखते हैं सबके बीच में फाइट होने वाली है, बहुत जोर से खाड़ी इनके बंदों ने। यहाँ पर देखते हैं ईविल क्या कर पा रहे हैं, यहाँ पर ईविल साफ जा रहे हैं, मतलब बॉन्ड बॉन्ड 07 जो भी लोग सिंगल जल्द से सब्सक्राइब करो भाई, जल्द से जल्द प्लीज टेल हाइएस्ट स्किल भाई, हाइएस्ट स्किल्स हैं सिर्फ इनकी टीम के जो कि हैं 15 भाई अब तक के सबसे ज़्यादा भाई, बहुत कुछ ज़्यादा ही है भाई। स्नोडन क्या कर रहे हैं, ये लोग फ्लेम बॉय पे जा रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि बंदे रुकने वाले हैं नहीं, फिर से आएंगे शायद मेरे हिसाब से। पर वो स्क्वाड पूरी की पूरी डर गई इन बंदों से, तो वो मतलब बहुत ही कुछ गड़बड़ की बात है, मतलब ऐसा नहीं डरना चाहिए भाई। ये मारो यार गांड मार दो, मतलब ऐसे ही मारो कि कुछ मतलब तुमको दिखे ही ना। तो यहाँ पर देखते हैं इसके अंदर क्या है, इसको मिल है MK14, मतलब क्या ही, मतलब क्या ही मारा यार MK14 मिल गई। ये मतलब फ्यूचर में होने वाला गाइस कि बंदे ने क्या ही मारा, पर वो बाद में देखने को मिलेगा। तो अब टीम नंबर 6 के बंदे को स्पॉट कर लिया हिट चंपक लाल ने, और ये गांड में गड़ा डालेगा या फिर नहीं, ये हमें देखना पड़ेगा भाई। सॉरी गाइस मैं गलत बोल गया, मतलब चंपक लाल गड़ा अब मतलब डालेगा या फिर नहीं, ऐसा बोलना था, मतलब अलग मीनिंग मत लेना गाइस, मैं कुछ अलग बोल रहा हूं भड़वो। चलो गाइस पानी पीते हैं, पता नहीं जरा सूख गया भी मार किया। तो अब टीम नंबर 6 का बंदा राइट से फ्लैंक मार रहा है, और टीम नंबर 13 के बंदे बहुत ही मतलब बढ़िया तरीके से खेलते हुए कैंपिंग। और यहां पर हमें देखना पड़ेगा कि भाई कैसे मारते हैं ये लोग, कैसी कैसी फाइट हैं। मिनी से उस बंदे को डराया चंपक लाल, देखते हैं यहाँ पर क्या करता है। M7 से ऐश को, ऐश यहाँ पर पूरा का पूरा पैरो वाला बंदा, 11 मतलब लेवल 5 वाला बंदा यहाँ पर जा रहा है। आई विल बी बैक इन माई नेक्स्ट कॉपी परफॉर्म, हाँ जरूर भाई, जरूर भाई भाई गाइस जो भी है ना हार गया ना भाई, ऐसा मत करो भाई, मतलब छोड़ ही दे, मतलब और प्रैक्टिस करो भाई। अगली बार जिस टीम ने तुम्हें मारा है ना उनकी गांड में आग लगा दो, मतलब ऐसे जोर से मारना है कि सोलो भी स्क्वाड तुम अकेले ही कर देना, ऐसा करना है, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर दया का दीवाना यहाँ पर गांड मार रहा है सबकी, मेरे हिसाब से कि गांड तोड़ने वाला है अब दरवाजे की तरह। यहाँ पर गार्ड क्या कर दिया भाई, अर्थक्वेक लाएगा क्या साले, हो सकता है ऐसा कुछ कि हमें देखने को मिलता है, क्योंकि अभी वो दया है नॉर्मल बंदा तो है नहीं। यहाँ पर देखते हैं रेक्स की टीम यहाँ पर, हाई ब्रीड की टीम यहाँ पर आ चुकी है, डुओ वर्सेस डुओ का सिचुएशन अभी भी हो सकता है, पर कोई नहीं। यहाँ पर चुपचाप बैठा हुआ बंदा है MK वाला लौंडा, यहाँ पर सोलो भी स्क्वाड कर सकता है मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लग रहा है।
कोई नहीं, फ्यूचर प्लान्स देखते हैं भाई क्या होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं सीएसपी के बंदे यहाँ पर टीम नंबर 6 के बंदे यहाँ पर टीम नंबर 13 के बंदों से हार जाते हैं या फिर जीत जाते हैं या फिर गांड फाड़ देते हैं उनकी। तो ये सब कुछ देखना बाकी रहेगा। सीएसपी फाल्कन यहाँ पर देखते हैं क्या कर रहा है। यहाँ पर सीएसपी जोकर गाड़ी लेके भाग रहा है। यहाँ पर देखते हैं कहाँ से रोटेशन मार रहा है। ये क्या अरे भाई ये क्या। तो ये लोग भाई फिर से जोन की तरफ जा रहे हैं। ये लोग बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी यहाँ पर होल्ड करने चाहते हैं। और यहाँ पर इनके राइट से कोई बंदा आया मेरे हिसाब से इनके राइट में है फ्लेम बॉय और उनकी टीम। तो देखते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। ये लोग पिजन पे बैठे हैं बहुत ही खामोशी से और सेंटर ऑफ द जोन पे। और यहाँ पर पीछे से इनको पड़ रही है। और हमें अब देखना ये है कि इनको भाई मतलब बंदे मतलब सामने से मारते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा स्नोडेन को। देखते हैं ये यहाँ पर सामने से इनको पता चल चुका है कि भाई सामने से बंदे आए। तो यहाँ पर देखते हैं स्नोडेन और ये लोग क्या कर पाते हैं। यहाँ पर नूब डायनामाइट एक नॉक कर दिया। ड्रैक्स यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर पीछे बैठा हुआ। यहाँ पर ओपन खड़ा है। एक बंदा नॉक करके फिनिश कर दिया इस बंदे ने। दो बंदे इनके नॉक है। एक बंदा लास्ट यहाँ पर बचा इनकी टीम का। तो देखते हैं वो क्या कर पाता है। यहाँ पर फाल्कन अकेला बैठा है। इनके तीनों के तीनों बंदे नॉक है। एक बंदा नॉक करके फिनिश हो चुका है। दो अभी भी नॉक है। तो देखते हैं क्या हो पाता है। आई विल कीप होल यू नो आई डू होल ब्रो। लेट्स गो। तो भाई ये लोग यहाँ पर पुश कर रहे हैं बहुत ही घमासान की तरह। मतलब क्या है मतलब गांड ही फाड़ देंगे बंदे की घुस घुस के। मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है पर कुछ भी हो सकता है भाई। जिंदगी है यहाँ पर पीछे से इनके बंदे आ रहे हैं। पीछे से ये फॉल बैक करने की कोशिश कर रहा है मेरे हिसाब से पर इसने गलत फायर दिया जैसे कोई हैकर हो। तो यहाँ पर डायनामाइट ने गांड मार ही मेरे हिसाब से शायद मार ही ली। हाँ मार ही ली। तो यहाँ पर देखते हैं टॉक्सिक क्या कर रहे हैं। यहाँ पर टॉक्सिक को भी बंदे स्पॉट हो चुके हैं। स्नोडेन को ये मार सकता है इजीली नहीं मेरे हिसाब से। और डायनामाइट की तरफ एक गोली तक नहीं लिखती। डायनामाइट सब कुछ चुका देता है चुक देता है सब कुछ कर देता है। मतलब यहाँ पर देखते स्नोडेन क्या कर रहा है। स्नोडेन थोड़े मतलब फॉर्म में भाई इसे बोलते हैं गाइस। मतलब हारते रहो पर जीतते रहो गांड फाड़ते रहो बंदों की। मतलब अगर वो स्कोपिंग करके भी देखे ना भाई तो मतलब रेड बुल पी रहे हो उसे बोलते हैं मतलब स्वैग भाई उसे बोलते हैं ना गाइस। ऐसा करता है भाई ये स्नोडेन भाई पूरा पूरा मतलब गांड ही फाड़ देता है मतलब भाई इतना मत फाड़ो पूरा भाई स्नोडेन भाई मेरी गांड जलती है भाई ऐसा करते हो। तो यहाँ पर टीम नंबर 23 के बंदे पीछे बैठे हैं। यहाँ पर इसके सामने देखते हैं यहाँ पर पर्पल कलर कुछ दिखा। यहाँ पर ये बंदा गेट इन करके यहाँ पर बैठा है। मेरे हिसाब से ये स्कैम शायद नहीं हो पाएगा क्योंकि भाई यहाँ पर कोई नूब तो बंदे है नहीं भाई सब लोग गाड़ी देखेंगे। पर हाँ अगर वो डुओ है तो भाई जरूर से जरूर मजे लेंगे। यहाँ पर देखते हैं ये एस एंड ड्रैक्स क्या करता है। टीम नंबर 18 वर्सेस टीम नंबर 19 का नॉक है। टीम नंबर 18 का और यहाँ पर नॉक कर दिया गया है इस बंदे। यहाँ पर देखते हैं टीम नंबर 13 के और बंदे जोन से बाहर निकल जोन के अंदर आ चुके हैं और इनको स्प्रे पड़ने वाला चंपक लाल दया और ऐश यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखते हैं ये लोग क्या कर पाते हैं। यहाँ पर फ्लेम बॉय की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं बहुत ही तेजी से। मिस्टिक बॉय यहाँ पर टीम नंबर 19 की तरफ भाग रहे हैं और इनको दिख गया शायद मेरे हिसाब से दया और देवान पर इनको कोई फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर देखते हैं इनकी तरफ फाइट हो रही है बहुत ही मतलब बहुत ही बढ़िया फाइट हो रही है भाई। अब तो देखना पड़ेगा इनको। तो भाई इनको मतलब बंदे दिख चुके हैं मेरे हिसाब से नहीं दिखा बड़वा को। तो भाई देखते हैं फायरिंग मरता है बड़वे मुझे आना पड़ता है ना बड़वे साला गांडू मदर बोर्ड है बे फायर क्यों किया बे गांडू। गाइस किसी नए बंदे ने सब्सक्राइब किया गाइस कांग्रेट्स गाइस। मुझे अभी जस्ट यहाँ पर डीजी डीप ने यहाँ पर एक बंदे को मारा है। देखते हैं ये मिस्टिक ओ भाई इनको बंदा दिख चुका है पर ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे। ये लोग अब तक मेरे हिसाब से मजे लेंगे इनके। तो यहाँ पर देखते हैं इनको कोई बंदा नहीं दिखा। ये स्पॉट कर रहे हैं यहाँ पर फ्लेम बॉय इनको दिख चुका है। देखते हैं स्नोडेम यहाँ पर क्या कर पाता है। फ्लेम बॉय इनको दिख चुका है इसको डैमेज भी दे दिया है। पीछे ड्रॉप गिरा है गाइस उसके अंदर देखना पड़ेगा उसके अंदर क्या है। हमें हम चलते हैं चलो इनको हम फाइट से हमें कोई मतलब नहीं भाई। यहाँ पर देखते हैं चंपक लाल ने कुछ मजे ले लिया मतलब बंदों के। यहाँ पर चंपक लाल की तरफ चलते हैं। चंपक लाल भैया कहाँ हो यार तुम। यहाँ पर देखते हैं टीम नंबर 13 की तरफ ऐश यहाँ पर बैठा है।
यहाँ पर ऐश ने एक बंदे को नॉक करके फिनिश कर दिया। दया देवान, दया का दीवाना, ये भाई बंदा नॉक हो चुका है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है सी। यहाँ पर नूब डायनामाइट के 5 किल हो चुके हैं, पूरे के पूरी टीम के 19 किल चुके हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या होता है टीम। तो यहाँ पर जोन के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 स्क्वाड बैठी है। यहाँ पर देखते हैं पीछे से ग्रासिया गई, मेरे हिसाब से मुझे शायद साउंड आई है। तो यहाँ पर देखते हैं M249 और एश ड्रैक्स यहाँ पर M4 से टैप टैप मारने की कोशिश कर रहे हैं और इन्होंने बहुत ज्यादा डैमेज दिया है। यहाँ पर देखते हैं फ्लेम बॉय यहाँ पर हील लेते हुए, यहाँ पर देखते हैं मिस्टिक बॉय क्या कर रहा है, गाड़ी के अंदर बैठा है अब तक। भाई नूब मत समझ लेना भाई साहब। तो यहाँ पर दया का दीवाना ने गाड़ी देख ली है पर उस पर फायर नहीं करने वाला, मेरे हिसाब से उसको बंदा नहीं दिया। वो सोच रहा है कि वहां पर कोई नहीं है, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ उसे लग रहा होगा। यहाँ पर ये बंदा ओके गाड़ी से उतर चुका है। यहाँ पर देखते हैं हाईब्रिड के बंदे, इनको अब तक बनना नहीं दिखा भाई, क्या कर रहे हो यार। तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर गाड़ी और गाड़ी फूट गई। तो यहाँ पर देखते हैं इसको कुछ डैमेज हुआ है या फिर नहीं। इसके लेफ्ट से बंदे आ चुके हैं यहाँ पर, ड्रैक्स वाले बंदे देखते हैं यहाँ पर, ऐश वाले बंदे मतलब एएसएन। यहाँ पर देखते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फ्लेम बॉय की तरफ चलते हैं, ये लोग यहाँ पर बैठे हैं। चंपक लाल लड़ा और ऐश यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्प्रे मारते हुए एएसएन और मेरे पर ये गाड़ी फोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। तो यहाँ पर चंपक लाल लड़ा ना कुछ गए, दया का दीवार स्प्रे मार रहा है पर टॉक्सिक को इसने एक कवर दे दिया। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया नॉक निकाला दया का दीवाना ने बहुत ही बढ़िया तरीके से और मिस्टिक ने एक बंदा मैंने स्पीकर दिया इस बंदे ने और स्क्वाड वाइप इस बंदे को अब जाके एक किल मिल चुका है। अभी ये बंदा एक अगर गोली ड्रैक्स को मार दे मेरे हिसाब से इसका पूरा का पूरा मैच हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि इसकी पोजीशन सिर्फ एक ही बंदे को पता है और स्नो डैम के बंदे यहाँ पर गांड मस्तियां करते हुए बहुत ही ज्यादा मतलब। तो यहाँ पर देखते हैं ये लोग क्या कर पाते हैं। तो इसके ड्रॉप के अंदर मतलब जो M249 थी वही बैठी है अब तक। तो यहाँ पर पीछे से इनका बंदा गया एएसएन ब्लड को शायद मेरे हिसाब से इनको बंदा दिख रहा है। दया का दीवाना यहाँ पर फ्लेम बॉय की स्क्वाड पुश कर रहा है, फ्लेम बॉय के बंदे 10 किल के साथ स्नो डैम के बंदे यहाँ पर बैठे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ऐश क्या कर पाता है, ऐश यहाँ पर बैठा चुपचाप, दया का दीवाना यहाँ पर बैठा है उनको पोजीशन बता चुके। चंपक लाल गड़ा यहाँ पर बैठा था गाड़ी में पर उसे पता चल गया कि इतने भी नूब बंदे नहीं है। तो फ्लेम बॉय देखते हैं यहाँ पर क्या कर पाता है, फ्लेम बॉय यहाँ पर लेफ्ट रोटेशन मार रहा है बहुत ही बढ़िया तरीके से ये लोग मतलब खेल रहे हैं। और यहाँ पर देखते हैं ड्रॉप के अंदर कुछ नहीं, भड़वों ने लूट लिया बचते हुए। तो यहाँ पर देखते हैं 1 vs 3 vs 2 vs 3 की सिचुएशन है। मेरे हिसाब से 1 vs 3 होगी क्योंकि शायद से यहाँ पर ऐश मेरे हिसाब से रिवाइव नहीं देना चाहिए, यहाँ पर सीधा का सीधा फिनिश करना चाहिए। फ्लेम बॉय से दिख चुका है, यहाँ पर देखते हैं फ्लेम बॉय को बंदा दिखाया को फिनिश कर दिया। ऐश यहाँ पर कुछ भी कर सकता है किसी टाइम पे, किसी क्षण कुछ भी कर सकता है भाई बंदा। बहुत इंटेंस फाइट गाइस 1 vs 3 क्या कर पाता है ऐश। तो यहाँ पर ऐश की बहुत ही कम स्नो डैम यहाँ पर टैप टैप मार के दिखा है, ऐश यहाँ पर बहुत ही कम हील के साथ। यहाँ पर डायनामाइट को बहुत ही अच्छा कवर मिला, डायनामाइट यहाँ पर मजे में और हर तरफ से गांड फाड़ दी। तो इसी के साथ विनर है भाई फिर से कल के विनर ही, और MVP ऑफ द मैच होते हैं फिर से स्नोडन जो कि कल के ही विनर थे मतलब। तो चलिए गाइस शॉट आउट टू इन सारे बंदों को, फ्लेम बॉय ओपी, नूब वैक्सी ओपी, नूब डायनामाइट और आई एम स्नोडन। तो चलिए गाइस तो चलो भाई हम अब मतलब देख लेते हैं, हम चार्जिंग करते हैं भाई। जो भी लोग स्ट्रीम में हैं जल्द से जल्द लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ठोको भाई, मतलब इतना जोर से ठोको मतलब क्या समझ रहे हो ना गाइस। तो चलो यार एक हम मतलब एरंगल खेल सकते हैं गाइस, जिसको भी आना है जल्दी आ जाओ यार जिसको आना है जल्दी आओ। ओ भाई साहब गाइस हमारे 1683 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं यार, आज के ही 7 सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हो गए यार। वाह भाई क्या ही मतलब क्या ही कर रहे हो यार तुम लोग मतलब भाई गला बैठ गया यार सच्ची बता रहा हूँ, इतना चिल्लाना पड़ता है ना गाइस गाइस तुम करोगे ना भाई सच्ची बता रहा हूँ मैं, मजे आ जाएंगे तुम्हें मतलब। हेलो स्मोकी भाई वेलकम टू द स्ट्रीम भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम भाई वेलकम, गुड परफॉर्मेंस बाय स्लेयर एंड निकल फाल्कन।
तो चलो गाइस आज तुम्हें है ना मतलब अब डिस्कॉर्ड का लिंक देता हूँ मैं, एक मिनट रुक जाना तब हम जाके बात करते हैं डिस्कॉर्ड पे, एक मिनट रुक जाना हम भाई बात करते हैं डिस्कॉर्ड पे गाइस, हम लोग बात करेंगे ठीक है ना गाइस, अब आ जाना डिस्कॉर्ड पे। तो चलो गाइज आपको अब मैं भेज रहा हूँ, देख लो गाइज स्ट्रीम पे मैं भेज रहा हूँ, जल्द से जल्द भाई आ जाना जल्दी आना गाइज, ऐसा नहीं कि बहुत लेट कर दूँ मतलब लेट ही कर दूँ मतलब, ठीक है ना गाइज। तो यहाँ पर देखो यार मैंने अब पेस्ट कर दिया गाइज, ये लो गाइज जल्दी से जल्द ज्वाइन कर लो यार, ठीक है ना जल्दी ज्वाइन करो यार, मैंने देखो गाइज पेस्ट कर दिया है जल्दी आओ ज्वाइन करो, चलो जल्दी आ जाओ भाई, देर भी मत करो मतलब। स्टार्ट अच्छी थी देखते हैं। हेलो ब्राइट गेमिंग, हेलो आवाज आ रही है? हाँ भाई आ रही आ रही है। अरे ये बंदा लाइव है भाई, रुको भाई मैं मेरे लाइन पर साथ दे रहा हूँ। कौन सा भाई माइक ऑन करो, ये थर्ड नंबर है। भाई मैंने यार लिंक भेजी तो थी, क्या हुआ अभी क्या हो गया क्या? अरे भाई मैं कहाँ गया, स्टार्ट कर दिया क्या? मैंने स्टार्ट किया या फिर मेट्रो में चला गया मैं, क्या किया मैंने? अरे भाई स्टार्ट ही कर दिया यार डायरेक्ट रैंडम्स के साथ वो भाई मालूम मुझे मालूम। ओके मैं इसमें चला गया चेयर पार्क, आ रहा हूँ भाई आ रहा हूँ वापस आ रहा हूँ, जिसको आना है आ जाओ भाई जल्दी आ गया जल्दी आओ वीर। गाइस जो भी लोग स्ट्रीम बनाए जल्द से जल्द लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई जल्दी यार, जल्दी करना गाइस ठीक है ना, जल्दी कर लो भाई जल्दी कर लो वीर। हेलो हेलो हेलो, गली 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 में गली 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 लुली भाई भाई आजा यार हेलो ब्रो गन गेम गन गेम, हेलो हेलो गन गेम, हेलो फाल्कन गन गेम गन गेम, हां चेक गन गेम ओके ओके व्हाट इज योर रूम? हां रूम है क्या कर रहा है? रूम है रूम है रूम है मेरे पास नहीं है। अरे यार किस पे दोगा भाई, निकल रूम है क्या? अरे इसको रहने दो इसको रहने दो, ये मेरा ही है रूम बन रहा बनाएगा रूम बना जल्दी बना सकता है अब बना सकता है अब हाँ ठीक है बना रूम बनाना प्राइड भाई क्या खेल रहे हो? रूम खेल रहे भाई स्ट्रीम कर रहे हो क्या भाई? हाँ भाई स्ट्रीम कर देख लो जल्दी जा रिक्वेस्ट करो मुझे आप। अरे मैं कैसे करूँ निकल 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 ओए मैं निकल आईडी पास स्ट्रीम पे भेज दियो आईडी पास स्ट्रीम पे भेज दियो। हाँ ठीक है मम्मी फोन डिस्कर 2v2 3 घंटा कुछ भी कुछ 4v4 फोन डिस्कर है सारे लोग आ जाएंगे सारे लोग आ जाएंगे ओके ओनली फन लकी एट। चलो गाइस जिसको भी आना है ना गाइस रूम टीडीएम आना है तो आ जाओ गाइस जल्दी हम लोग बना रहे हैं, हमारा बंदा आएगा और बना के चला जाएगा मतलब ठीक है ना गाइस। तब तक थोड़ी देर और रुक जाओ रुके रहना गाइस एक मिनट सिर्फ मतलब ठीक है भाई मैं एक काम कर जा रहा हूँ गाइस। अबे अरे भाई 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 अरे भाई भाई अरे भाई स्कैम ही हो जाता भाई अब तो मेन अकाउंट में कब से खेलोगे भाई? देखते हैं यार मेन अकाउंट से जब हमारा ग्लोबल मतलब आ जाएगा ना पबजी तब खेलेंगे भाई, अब तो मतलब खेल नहीं सकते ना भाई, अब आया नहीं तो क्या करें भाई। हाँ मेन अकाउंट से खेलेंगे भाई कोई नहीं उसमें क्या है।
खेलेंगे बाद में जब हमारा मतलब आएगा तभी खेल सकते हैं भाई, ऐसे तो खेल नहीं सकते ना भाई। यही तो बात है, मजेदार है, फुल गांड फाड़ है। हेलो हेलो, हाँ चलो चलो लकी बाय सेकंड। अरे 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 बोल बोल बोलना। रिक्वेस्ट आ चुका है मेरा ये वाला रॉयल किंग। किसका रॉयल किंग? रॉयल किंग इसने भेजा नहीं ना भाई? तो भेजा ना भाई, जिसको भी आना है गाइस जल्दी आ जाना यार। ओ भाई ये क्या भी, चलो गाइज अभी मैं भाई जल्द से जल्द भाई यहाँ पर पे देखो भाई मैंने सेंड कर दिया गाइज तुमको डिस्कॉर्ड पे, जल्दी ज्वाइन कर लो यार। इस लिंक पे क्लिक करना तुम लोग आ जाओगे जल्द से जल्द भाई। ये देखो मैंने इस पे टॉप कमेंट सेक्शन पे पिन करके रखा है भाई, जल्दी आ जाओ यार, जल्दी ज्वाइन कर लो प्राइड गेमिंग सर्वर को ताकि तुम्हें मतलब मजे मिल सके, ठीक है ना गाइज? जल्दी आ जाओ यार। रूम आईडी पास भेज दे भाई जल्दी यार। ओ भाई गाइज रूम आईडी पास आ चुका है गाइज, जल्द से जल्द भाई ज्वाइन कर लो यार भाई। बहुत बहुत अरे भाई भाई बहुत है यार, बहुत है भाई। 3757137 पासवर्ड है 1234 गाइज, जल्दी ज्वाइन करो यार, जिसको भी आना है जल्दी जाओ भाई। थोड़ी देर स्टार्ट मत करिए, मैं जब बोलूँगा तभी स्टार्ट करना। आईडी दो भाई, आईडी पास सब कुछ दे दिया भाई मैंने, जल्दी ज्वाइन कर लो। फ्रेंड रिक्वेस्ट बाद में भेज देना भाई, पहले ये मतलब सेंड कर लो। मैंने जो भी भाई दिया है वो भाई देख लो, मेरे हिसाब से मैं शायद गेस करके आईडी भेजने वाला हूँ। 6123622233 ये है क्या मेरी, देखना पड़ेगा मुझे। 6123962396222। अरे भाई याद हो गई यार मेरे को, चलो गाइज कोई नहीं यार मेरे को याद भी हो गई। चलो गाइज डिस्कॉर्ड लिंक पे जल्द से जल्द क्लिक करो यार ताकि तुम लोग है ना जल्द से जल्द सही टाइम पे डिस्कॉर्ड पे आ जाओ भाई। थोड़ी ही देर में ये लिंक एक्सपायर होने वाली है, जल्दी आओ यार जल्दी आ जाओ भाई। अरे यार जिसको अगेंस्ट खेलना है वो लोग अगेंस्ट खेलो, जिसको मेरे साथ खेलना है साथ में खेलो, चलेगा भाई। जल्दी आओ गाइस जिसको भी आना है। यूट्यूब रियू भाई आना है तो आ जाओ यार देख के। किड बॉय गेमिंग ने और भाई कितना भाई स्पैम मत कर यार भाई भाई भाई, भाई देख बैन कर दूंगा देख ली पहले बता रहा हूँ, रुक जा। अरे भाई गलती कर दी, ओह शिट, ओ भाई 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 गाइस वो रहा यार ऊपर टॉप पिन सेक्शन में भाई, जल्दी दबाओ यार वहां पर देखो भाई। और अगर तुम्हें नहीं दिख रही है तो मैं फिर से दबा रहा हूँ भाई। 3757 उसके बाद 37 है ओके। तो ये रहा आईडी भाई और पासवर्ड है 1234 1234 खत्म गाइस। ये है आईडी पास भाई, जल्दी आ जाओ ज्वाइन कर लो गाइस, जल्दी ज्वाइन करो भाई जल्दी यार, टाइम नहीं भाई जल्दी बे जल्दी बे जल्दी 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 बे जल्दी बे जल्दी बे। डेविल निकल फिर से निकल गया भाई, वाह यार पीरो प्लेयर। 2SS2 टीडीएम मैच है भाई, स्क्वाड का जल्दी आ जाओ यार, जल्दी बे जल्दी बे जल्दी 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 बे जल्दी बे जल्दी बे। किड बॉय गेमिंग वाज टाइम्ड आउट बाय प्राइड गेमिंग फॉर 300 सेकंड। भाई इतना मत स्पैम किया करे यार भाई, इतना स्पैम करे ऑटोमेटिक भाई हो जाएगा वो, क्या कर रहा है यार भाई। गाइस मैंने आईडी पास देखो यार टॉप सेक्शन में पिन कर रखे हैं भाई, जल्दी ज्वाइन करो यार टाइम वेस्ट मत किया करो। यहाँ पर डेविल निकल भाई, डेविल निकल भाई स्पेक्टेंट से बाहर आ जाए यार, क्या भाई स्पेक्टेंट कर रहा है यार भाई। स्पेक्टेंट तभी करो भाई कि मतलब कुछ बड़ा टूर्नामेंट ऐसा वगैरह कुछ हो तो भाई तभी स्पेक्टेंट करते हैं यार, अब क्या करें भाई।
गाइस जिसको भी आना है गाइस जल्द से जल्द, जो भी आना चाहता है जल्दी आ सकते हो भाई, जल्दी आ, कोई भी आ सकता है। आईडी पास दे दिया गाइस, जल्दी ज्वाइन कर लो गाइस जिसको भी खेलना है। चल भाई स्टार्ट कर दे यार, 3v3 हो गया, चल चल भाई स्टार्ट कर दे, जल्दी निकल भाई स्टार्ट कर दे यार। अनाज भी आ चुका है, चलो भाई कोई नहीं। अरे भाई मेरी टीम में मत रहो यार, ऐसा चीटिंग मत करो यार, लेजेंड को हराना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, अब हो गया। अरे भाई जल्दी स्टार्ट कर, स्टार्ट कर जल्दी 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 जल्दी। ओ भाई मेरी फटने वाली है, एक बंदा यहाँ पर आ जाओ भाई। अरे गांड फट गई, वहाँ की हाँक कर देंगे भाई ये लोग, ऊपर से लाइव स्ट्रीम में भाई बंदे फाड़ देंगे मेरी। रुको भाई मुझे मेरी हैकिंग चीज लेने को, ये रहा मेरा पिलो। अब चलो गांड फाड़ते हैं तुम्हारी, चलो भाई रिकॉइल भी कंट्रोल हो जाएगा अब तो। चलो M4 चैलेंज गाइस, गाइस जो भी है ना भाई प्लीज यार लाइव स्ट्रीम चेक करने के बाद मत मारना भाई प्लीज यार, चीटिंग वगैरह मत करना। अरे भाई मैंने सक्सेस कब लगा दिया भाई, भाई मेरा अनफेवरेट स्कोप लगा दिया। टीम मैच लेट्स गो, मतलब है मतलब मुझे मतलब उतना चलाना ही आता, मैं 3x को ज्यादा प्रेफर करता हूं। फर्स्ट पॉइंट वो कुछ मूव बंदे नहीं है भाई, समझ लो पहले ही बता रहा हूं। अरे तुम्हारे अंदर भी चार हो गए, हमारे अंदर भी, सॉरी भाई मत लिया करो यार ये सारे, मत फिर गांड फाड़ लो मुझे। साले भड़वो भड़वा डर के भाग गया अंदर। टारगेट डाउन क्लियर, दो साइड ऑन दिया। ओ भाई साहब वो पिन अच्छा आ गया भाई, जो भी लोग सिंपल है जल्द से जल्द लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करो भाई जल्दी यार, ऐसा नहीं भाई मतलब मर ही जाए। भाई 1 HP है, जल्दी घुस भाई जल्दी घुस भाई, जो भी है भाई नंबर 3 भाई जल्दी घुस यार 1 HP भाई। चल कोई नहीं उसके पीछे और एक बंदा छोड़ दिया एनिमी डाउन भाई, नू समझो का भाई नू समझो का। रीलोडिंग ओपी भाई क्या कर रहे हो यार, तो क्या ही मजे ले रहे हो भाई। अरे भाई तुक्का भाई सच्ची बता रहा हूँ, हेड लग गया भाई तुक्के से भाई यार, ची बेकार यहाँ कर दी भाई पूरा, तो चढ़ेगा तो उसकी मार वाला नहीं बड़वा सर कोई नहीं करता बे। Watch out! अरे भाई ये लोग अंदर ही कैंपिंग करके बैठे हैं मेरे हिसाब से शायद। Expired! The blue team is in the lead. Enemy down! अरे भाई ऑफ, अबे भाई ये मस्ती साला भाई कितना घटिया यार, मैं सच्ची में उसके बाद रोक दिया था पता है फायर तुम लोगों को, मैं सच्ची में उसको ऑफलाइन देखे मैंने रोक दिया भाई फायर। गाइज उसको मत मारना भाई, जो भी बंदा ऑफलाइन है मत, जो बंदे ऑफलाइन है उनको मारना ही मत, टच भी मत करो, जो बंदे ऑनलाइन है उनकी गाड़ी खा ऑफलाइन। भाई गाइज जो बंदा ऑफलाइन है उसको मत मारा यार। Killing spree for the blue team. अरे भाई यार नंबर 2 भाई क्या कर रहा है यार भाई, killing spree for the blue team, वरना नेड है मेरे पास गाइस पहले ही बता रहा हूं मैं। Killing spree for the blue team, great, you're about to win, the blue team is heading to a perfect win. बे भाई यार क्या ही मोमेंट ओपी भाई, कैन आई ब्लेम नेक्स्ट मैच भाई चार्जिंग करना गाइस, नेक्स्ट मैच मैं जा रहा हूं ठीक है गाइस ओके। अगर तुम लोगों को डिस्कॉर्ड पे बात करनी है तो मेरे पास मेरे साथ वॉइस टू वॉइस चैट कर, वे बड़ा सर
Blue team victory. चलो यार, मैं बेचारा हूँ, एक बंदा मतलब ऑफलाइन था, वरना लेजेंड काफी था हम सब लोगों के लिए, 1v4 कर देता, कोई नहीं। ये टीम आखिरी थी, अच्छी थी, पर बीच में थोड़ा सा मतलब रुकावट आ गया। चलो कोई नहीं, होते रहता है बड़े बड़े मतलब कॉम्पिटेटिव प्लेयर्स के साथ ऐसा होता रहता है, कोई नहीं। चलो आज ने भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। चलो गाइज, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भाई अगर किसी बंदे को आना है ना गाइज, देखो यार मैं फिर से भाई लिंक भेज रहा हूँ यार, जल्दी आओ यार, डिस्कॉर्ड पे बात करनी है जल्दी से जल्द भाई, मेरे साथ अगर कोई भी बात करनी है जल्द से जल्द आ जाओ भाई। जनरल वॉइस चैट सबसे नीचे लिखा होगा, वहाँ पर मैं बैठा हूँ गाइज, वहाँ पर 99 बंदे तक आ सकते हैं, 100 बंदे, जल्दी आओ। जिसको भी अगर मेरे साथ बात करनी है कुछ भी किसी के रिगार्डिंग, आ जाओ भाई जल्दी। अगर मैं हैकिंग वैकिंग करता हूँ कुछ भी पूछना हो भाई, जल्दी आओ, ठीक है ना गाइज, जल्दी आ जाओ यार, जल्दी भाई, वेट ही मत करो बस, खत्म। हेलो बीरो, मैं नहीं खेल रहा बीरो, नहीं खेल रहा मैं, बाय बाय। अरे स्लेयर मैं नहीं खेल रहा भाई, स्लेयर हेलो नहीं खेल रहा मैं, ठीक है ना स्लेयर, ओके बाय बाय। चलो भाई, ओके ओए। भाई यार अगर किसी को आना है जल्दी आओ गाइस, मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ गाइस, अगर किसी को आना है तो। चलो गाइस क्या बात कर रहे हैं चैट पे, गाइस जिसको भी आना भाई जल्दी आओ यार। रुको गाइस मैं फिर से मतलब तुम्हें सेंड कर रहा हूँ, एक मिनट, तुम लोग फिर से सेंड करना पड़ेगा मुझे। मैं गाइस फिर से सेंड कर रहा हूँ तुम्हें, रुक जाना थोड़ी देर के लिए। ओरे भाई भाई, ओरे भाई भाई, ओरे भाई भाई, ओरे भाई। चलो गाइस मैं तुम्हें फिर से मतलब सेंड कर रहा हूँ। ये लो गाइस हमारी सर्वर की लिंक भाई, मैंने फिर से सेंड कर दी तुम लोगों को, जल्दी आ जाओ भाई, ठीक है ना गाइस, जल्दी आओ। देखो भाई ये रही यार, ये नई वाली है, इस पर क्लिक करना डायरेक्ट तुम लोग मतलब आ जाओगे, ठीक है ना गाइस, जल्दी आओ यार, जल्दी गाइस, जल्दी जल्दी। जनरल वॉइस चैट में भाई ऐसा आएगा तुम्हें, ऊपर से वेलकम बॉट सेटअप ऐसा सब कुछ आएगा तुम्हें, जल्दी आओ। यहाँ पर मैं तुम्हारा वेट, सॉरी फीडबैक क्या है, जनरल वॉइस चैट में मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। किसी को भी कुछ भी डाउट वगैरह कुछ भी हो भाई आ जाना भाई। समीर मंसूरी रूम बनाओ भाई, रूम खत्म भी हो चुके हैं यार, क्या बात कर रहे हो भाई यार, क्या बात कर रहे हो भाई। हीरो जल्दी, बीरोस जल्दी आओ यहाँ पर। हाँ चलो भाई हम लोग टॉक शो में वेट कर रहे हैं, जल्दी आओ। हा ओ ये चलो आवाज़ बराबर जा रही है भाई, जल्दी आओ यार भाई, क्या वेट करा रहे हो भाई अपने भाई को यार, जल्दी आओ। प्राइड भाई ओपी, थैंक यू ब्रो वेरी मच भाई। जो भी गाइस स्ट्रीम पे नहीं आना गाइस, जल्द से जल्द लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ठोको भाई जल्दी। किसी को भी अगर आना है जल्दी आओ यार, किसी को भी, कोई भी आ सकता है इसके अंदर। हम तो कभी ना थे यू बेवफा, बस तूने बना दिया। गाइस कोई आ रहा है? नहीं आएगा, चलो कोई नहीं, हम डिस्कॉर्ड ऐसे रखते हैं, हम लोग चलते हैं सीधा का सीधा मतलब हमारे गेम्स की तरफ, कुछ गेम खेलते हैं यार और कुछ नहीं तो, बंदे अगर आ नहीं रहे तो हम मतलब नॉर्मल सा गेम खेल लेते हैं और क्या। अगर कोई भी आएगा तो हम जल्द से जल्द एग्जिट कर लेंगे, मतलब इसमें क्या थोड़ी ना कोई 2 घंटे लगते हैं एग्जिट करने में, 1 मिनट लगता है भाई। अरे भड़वे ये क्या हुआ बे तेरे साथ, डरने क्या है बात,
गाइस जल्दी भाई जल्दी आओ यार गाइस, क्या कर ले हो गाइस तुम लोग भाई। आई केम कहाँ पर हो भाई तुम? पहले सबसे पहले ज्वाइन करो भाई, उसके बाद मतलब टॉक शो में आ जाओ भाई जल्दी, ठीक है ना गाइस? टॉक शो में आ जाओ जल्दी वीरोस। आई केम प्राइड भाई गेटिंग ओवर इट, खेलो। क्यों भाई गांड लाल करनी है क्या भाई मेरी? क्यों भाई नहीं मतलब गांड ही लाल कर दो भाई, मतलब ये मैं नहीं मार ही लो, नहीं मतलब मार ही लो भाई, क्या कर रहे हो यार तुम भाई सच्ची यार, क्या भाई यार मार ही देनी है तुम्हें तो मेरी भाई सच्ची यार। ठीक गाइस हम अब मतलब डिस्कॉर्ड पे अगर कोई नहीं आ रहा है तो हम चलो गेम खेलते हैं, अगर कोई आ ही नहीं रहा तो मतलब क्या करेंगे गाइस, मजे तो ले लेंगे ही ना हम, तो वही लेने हमें। ये क्या हो गया बे? वो भाई भाई जल्दी लॉग इन कर दे यार। ओ भाई साहब मेरा लॉग आउट हो गया, वो द फक कर दिया भाई पबजी ने, खेलो ना प्लीज। ठीक गाइस हम लोग गाइस गेटिंग ओवर इट, तुम लोग सर बच्चे की गांड बढ़ गई ना? नहीं भाई गांड नहीं फटी है मेरे अंदर, मतलब डाउनलोड नहीं है यार, देखो यार कहीं डाउनलोड नहीं है मेरे पास। अमांगस है, इसमें चार गेम्स है, GTA 5 था वो मैंने डिलीट कर दिया, अब भाई मेरे पास सिर्फ एक गेम दो गेम नहीं चार गेम पांच गेम पड़े हैं यार यहाँ पर। ओ भाई ये तो मतलब लॉग इन नहीं होगा अच्छी तो, पर अगर अमांगस किसी को खेलना है भाई वो एंड्रॉयड गेम है, एप्पल गेम है, जिसको भी खेलना है जल्दी आ सकते हो, मैं भाई रेडी बैठा हूँ यहाँ पर अगर किसी को अमांगस खेलना है तो। ठीक है अगर कोई खेलना नहीं चाहता तो चलो बाद में खेलते हैं भाई, तो ऐसा करते हैं ना गाइज कि मैं मतलब डाउनलोड करके आता हूँ गेटिंग ओवर इट, तुम लोग थोड़ी देर के लिए रुक सकते हो? बताओ थोड़ी देर के लिए रुकते हो तो मैं भाई गेटिंग ओवर इट भी खेल सकता हूँ, जल्दी बताना ज़रा तब मैं कुछ भी कर सकता हूँ भाई, अगर रुकोगे तो मैं खेलूँगा भाई, बताओ रुकोगे? वो गाइज कहाँ से हूँ भाई, कहाँ से हो भाई, क्यों भाई जान के क्या करोगे? देखो भाई जहाँ पर तुम रहते हो ना उसके आसपास ही रहता हूँ, अब बताओ मैं कहाँ रहता हूँ, सॉरी तुम कहाँ रहते हो, तो मैं बता दूंगा तुमसे कितना किलोमीटर दूर हूँ ऐसा कुछ, ताकि तुम्हें आइडिया मिल जाए। मतलब मेरा भाई सूरज है ना ईस्ट की तरफ से निकलता है। हैदराबाद का पट्टा है, अरे हाँ भाई रियली इट्स रियली कूल, अबे साले रिवील करने में तू सबसे बड़ा है ना भाई भावड़े। कई जो भी लोग स्ट्रीम में जल्द से जल्द, अबे क्या हुआ भाई माइक, अच्छा चल रहा है, जो लोग स्ट्रीम पे नए हैं जल्द से जल्द लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दो भाई जल्दी यार, जिसको भी आना है जल्दी आओ यार। ये देखो भाई हमारा पूरा मतलब स्ट्रीम पे क्या ही लाइन से दिख रहा है, मतलब बंदे भाई क्या ही मतलब पूरा छोटा सा यहाँ दिख रहा है, मतलब छोटा बहुत छोटा भाई यहाँ पर चल रहा है, वो भी अब हो जाएगा शायद, अब हो गया शायद, हाँ हो गया तो लाइन में चल रहा होगा सब कुछ। हाँ तो चलो यार भाई, ये बेचारा हमारा भाई यार बेचारा चला गया बेचारा स्ट्रीम करके। गाइस खेलना है क्या गाइस? चल आ सकते हो तुम लोग आ जाओ भाई, हम लोग ना जब तक ज्वाइन करते हैं यार अमंग अस, कुछ देखते हैं कुछ होता है यहाँ पर तो। किया जो किया इतने सारे गेम से भी आँख कर दी भी। चलो भाई ये सारे मतलब इनको हटाना पड़ेगा भाई एक दिन, देखते हैं क्या होता है इससे। मजा कर रहा हूँ कुछ नहीं दबाना भाई, मैं जैसे जैसे टैपिंग कर रहा हूँ ताकि लगे कि GTA मतलब इस फील आए मतलब भाई। अबे यार ओके चलो हो गया, क्या खेलें यार, फाइंड गेम देखते हैं, फाइंड गेम कोई बंदा है
नहीं यार कोई नहीं है भाई बंदा यार लोकल खेलते हैं चलो। ये भड़वे साले भाई इसमें गाइस ऐसा कुछ नहीं होता क्या कि फ्री प्ले? हाँ है ना भाई है ना ये रहा फ्री प्ले पर बंदे नहीं है ना यार वही तो भाई दिक्कत की बात है भाई सच्ची बताऊँ ना मैं फ्री प्ले में सिर्फ यही होता है मतलब इसमें क्या है गाइस कि इसमें अमंग अस अगर कोई बंदा पहली बार खेल रहा है तो मैं कुछ सिखा सकता हूँ तुम्हें कि भाई इसमें एक बंदा होता है जिस मतलब एक मतलब समझो अब 10 बंदे हैं पूरे के पूरे इसके अंदर मतलब इस प्लेन में ये अब ये देखो ये पूरा एक प्लेन है यहाँ पर समझ लो बूस्टर है ये कुछ ऐसा मतलब इंजन है वगैरह वगैरह सिक्योरिटी सब कुछ तो जो नॉर्मल 10 बंदे होते हैं ना उनमें से 8 बंदों को ये सारी चीज़ें सही करनी है मतलब ये सारी चीज़ें जो भी खराब हुई है जैसे इलेक्ट्रिकल है डोमेन नेविगेशन लोअर इंजन अपर इंजन ये सारी मतलब खुलती रहेंगी हमारे को जो भी देखो यार यहाँ पर टास्क हैं तो हमें ये सारे करने पड़ेंगे। तो भाई अब यहाँ पर क्या होता है भाई हमें मतलब जो मैंने बोला 8 ही बंदे कर सकते हैं क्योंकि उनमें से 2 या फिर 3 बंदे हैं ना गाइस मतलब 10 बंदे होते हैं ना उनमें से 2 या फिर 3 बंदे होते हैं इम्पोस्टर्स मतलब उसका उसका मतलब होता है एलियंस। तो वो एलियंस क्या करते हैं हम सबको मारते हैं मतलब मारते हैं मतलब हम सबको मतलब मर्डर कर देते हैं हमारा। तो हमें जो 8 बंदे हैं उनमें से धीरे धीरे जैसे बंदे मरेंगे ना अगर किसी को वो बंदा मारता हुआ दिख गया तो हमें मतलब इमरजेंसी मीटिंग बुलानी है मतलब उतना ही गेम खत्म है गाइस उतना ही तो गेम ही है। पर उसमें जब बहुत बंदे होते हैं ना गाइस तभी फन आता है मतलब नॉर्मली ऐसा आता तो है नहीं वैसे वो मतलब फन मतलब बंदे बुला के लाना पड़ता है पर बंदे आते ही नहीं है अमंग अस खेलने। भाई आप डायनमो के साथ खेले हो कहाँ से हो भाई? हैदराबाद से हो भाई। अब रिवील भाई लेजेंड ने कर दिया तो हम क्या करें हैदराबाद से हूँ भाई कोई नहीं। भाई आप डायनमो के भाई सच्ची यार बोल बोल के सच्ची बता रहा ना मैं मेरा गला भाई बैठ जा रहा है धीरे धीरे। भाई आप डायनमो के साथ खेले हो क्या भाई? हमारी औकात कहाँ है भाई? वो भाई बंदा कहाँ यार हम कहाँ भाई? मतलब अगर भाई थोड़े और मतलब कुछ ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो जाते ना भाई तो कहीं से मतलब इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह से आईडी से पोस्ट कर दे भाई प्ले विद मी या फिर ऐसा कुछ। अरे भाई उनके बहुत ही बड़े बड़े दोस्त हैं या फिर मैं अगर कॉम्पिटिटिव खेलने शुरू कर दूँ ना गाइज तो भाई कुछ हो सकता है मतलब तब भी खेल सकते हैं शायद शायद। हाँ तो ठीक है गाइज हम चलते हैं भाई बाद में खेलेंगे गाइज ठीक है ना गाइज कल देखते हैं गेटिंग ओवर इट अगर खेल सकते हैं तो गेटिंग ओवर इट भी खेलेंगे अगर हमारा लाइव स्ट्रीम खत्म होने के बाद हम खेलेंगे गाइज। कल गाइज जो भी लोग जो बंदा बोल रहा समीर भाई आ जाना यार कल अगर तुम बोल रहे थे ना रूम में मैं कल हूँ रूम में कौन से रूम बता रहे हो भाई कौन से रूम बता रहे हो नहीं मतलब कौन से रूम बता रहे हो तो मजाक कर रहा हूँ बताओ भाई कौन से रूम में रहोगे कस्टम रूम्स ठीक है यार मतलब ये कस्टम रूम्स होने के बाद 7 को हो जाते हैं गाइस कस्टम्स तो उसके बाद तुम लोग आ जाना। ये भाई बंदा ये बोल रहा था मैं भाई बहुत ही अच्छा बंदा भाई क्या ही मतलब मीम क्या ही चलता है हमें थोड़ी देर के लिए लगाना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए बहुत ही कम लगाएंगे भाई हम लोग। अले दादा अगर भाई तुम्हें भी सुनना है ना गाइस मैं डायनेमो के साथ रूम में खेला हूँ। अरे भाई ऐसा तो भाई मैं भी खेला हूँ यार मतलब उनके साथ खेलना और उनके रूम में खेलना वो भाई अलग होता है यार उनके साथ खेलते हैं ना भाई हमें मतलब एक पहचान मिलती है कि हाँ भाई मतलब मैं मतलब खेल चुका हूँ ऐसा कुछ मतलब उनको हमारा नाम याद रहता है ना जैसे कि प्राइड गेमिंग हो गया जैसे कि अब सब तुम लोगों को ना डायनेमो याद है क्योंकि भाई बहुत फेमस हो चुका है ना भाई अगर मैं भी डायनेमो के साथ खेल लूँ ना सारे लोगों को याद रहेगा कि हाँ प्राइड डायनेमो के साथ खेला था पर उसके लिए थोड़ा सा मतलब लेवल होना चाहिए गाइस। कहाँ भाई तुम कांस्टेबल को एक आईपीएस ऑफिसर सॉरी सीएम से मिलवा रहे हो समझ रहे हो गाइस ऐसा होता है गाइस कहाँ तुम बेचारे कांस्टेबल को सीएम या फिर प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट से मिला रहे हो भाई। अरे भाई उससे क्या भाई आर्मी बंदे से मिला रहे भाई उनकी सबसे बड़ी होती ना भाई दर्जा उनका दर्जा सबसे बड़ा होता ना भाई उनसे कहाँ मिलवा रहे हो भाई। मैं गाइस कोई कंपेयर नहीं कर रहा कि भाई ये बड़े होते हैं ये छोटे होते हैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा पर मैं बोल रहा हूँ जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ आपको इजीली पता चल जाएगा कि हाँ ऐसा कुछ है। हाँ भाई अगर डायनेमो से तुम बोलते हो
डायनमो के चैट में जाके लिखना भाई, नहीं स्पैम मत करना, मैं बता रहा हूँ स्पैम मत करना भाई, उससे भी गलत होता है। मेरे भी भाई बहुत बंदे स्पैम करते हैं यार कि तू नू बै नू बै नू बै नू बै, मैं बोलता हूँ अबे चल मजा कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं बोलता, मैं बोलता थैंक यू बीजो मुझे सिखा दो बस, ये बोला काम खत्म भाई। क्योंकि भाई अगर हम बोलेंगे ना कि भाई तू मुझे सिखा दे, मतलब सॉरी सॉरी, अगर मैं बोल दूँ ना कि भाई तू नू बै साले मुझे कौन सिखाने वाला, तो भाई वो बात और आगे बढ़ जाती है। अगर हम बोल दें ना हाय पहचाना क्या मगनू बिराज, वो भाई नाम सुना है, अरे सुनील बीरो कैसे हो बीरो, वेलकम टू सिम भाई। समीर मंसूरी डायनामो भाई के 9 मिलियन लाइक हो गए हैं, 9 मिलियन लाइक हो गए हैं भाई, उससे भी ज़्यादा है, 9.2 है मेरे हिसाब से शायद, मैंने जब लास्ट टाइम देखा 9.2 थे, पता नहीं। मैं भाई सबकी खबर रखता हूँ यार, यूट्यूबर हैं यूट्यूबर की खबर रखेंगे मतलब। डायनामो के थे शायद मेरे हिसाब से डायनामो भाई के 9.2 ऐसा कुछ लक्का लाइक लाका 9 मिलियन लाका हो गया है लोग या फिर लाका भाई क्या बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा मतलब क्या भाई, ओके हाँ मैंने पूछा था कैसे हो भाई, हाँ सही सही अच्छा ओपी भाई। डिवाइन विराज अब अरे भाई भाई विराज भाई कैसे हो यार भाई, पहचाना पहचाना, चलो चलो हमारे डिवाइन भाई के ही बंदे ये गाइस। जो भी लोग स्ट्रीम में आए जल्द से जल्द लाइक करो शेयर सब्सक्राइब करो भाई, मतलब अगर आपको कोई भी गेम खेलना है अमंग अस वगैरह वगैरह हो गया भाई जल्दी आओ यार, मुझे मतलब कमेंट सेक्शन पिन मतलब लाइव चैट पे अभी लिख दो यार, मैं अब लिखने वाला हूँ, मैं कोई भी खेल सकता हूँ। देखो भाई मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आप लोगों को, मैं सबसे पहले तो गेटिंग ओवर इट या फिर अमंग अस या फिर GTA 5 पबजी। भाई ये क्या हुआ, बीमार क्यों, मैंने ये क्या खोल दिया भाई, यू बीजी पबजी ओके गलती से क्या क्या खुल गया भाई। रूम कब बनाओगे भाई, कल ही बनेगा यार माइनक्राफ्ट, हाँ भाई माइनक्राफ्ट भी खेल सकते हैं। चलो नाइट भाई से बात की थी हमने, मतलब ऑनलाइन गेम्स गाइस जैसे तुम्हारा, अरे सी की जगह वी दे भैया, अभी मैं किया सी और वी मतलब पास पास ही है ना, आपने जो मैसेज पिन किया है वो डिलीटेड डिलीटेड दिखा रहा है, व्हाट द फक डिलीट में दिखा रहा है जो मैंने किया है, मैंने क्या बे ये क्या हो गया भाई, मैसेज डिलीटेड बाय यूजर व्यू डिलीटेड मैसेज मैसेज फ्रेड यूजर, अरे भाई मैंने कुछ नहीं किया यार, नहीं 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 हो सकता भाई, वो होगा देखेंगे भाई। अमंग अस खेल सकते हैं, पबजी लव खेल सकते हैं, पबजी खेल सकते हैं लव नहीं यार, माइनक्राफ्ट खेल सकते हैं और रॉकेट लीग खेल सकते हैं, रॉकेट लीग पर भाई बंदों पे ना रॉकेट लीग मतलब पीसी नहीं होगा ना गाइस तुम पे, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक मतलब मोबाइल गेम को हम लोग पीसी में कन्वर्ट करके ऐसा कुछ बना दें ना गाइस तो मज़ा आएगा, मतलब गेटिंग ओवर इट खेलो भाई। अरे भाई हाँ यार कल है ना गाइस हम लोग ओनली स्ट्रीम करेंगे, मतलब कल क्या यार संडे है ना गाइस, अरे यार संडे को पबजी करना पड़ेगा मैं क्या, क्योंकि संडे गाइस सब लोग है ना एक्टिव रहता है ना गाइस, तो पबजी मतलब बेस्ट रहेगा हमारे लिए। अमंग अस तो ठीक भाई, अमंग अस अगर कोई खेलना चाहता है अभी खेल सकता है मेरे साथ, मैं खेलने को तैयार हूँ गाइस। जो भी लोग स्ट्रीम में आए जल्द से जल्द लाइक करें शेयर और सब्सक्राइब, ठोकी दो मतलब मार ही दो मतलब उसकी मतलब मार ही लो, मुझे नहीं पता मतलब मार ही देना चाहिए। तो गाइस देखो यार हमारे 1.68K हो चुके हैं, बढ़ रहे कहाँ जा रहा है भाई कुछ प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से, रिकनेक्टिंग सक्सेसफुल। ओ भाई कच पब कल पबजी खेल, मेरे साथ सीन हो गया भाई कुछ कुछ हो गया स्ट्रीम पे गड़बड़ी। ओ भाई 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 ओ भाई भाई ओ भाई भाई चलो हो गया चलो पूरा परफेक्ट, कल पबजी खेल हाँ भाई ज़रूर यार कल पबजी खेलते हैं। हाँ गाइज मोबाइल गेम्स खेलते हैं कल भाई, मतलब मैं पीसी पे खेलूँगा मोबाइल गेम्स, क्योंकि भाई मैं मोबाइल पे सिर्फ एक ही गेम खेलना चाहता हूँ पबजी द मोबाइल। प्राइड ओबी थैंक यू बीरो थैंक यू भाई वेरी मच यार। चलो गाइस सब लोग यार एक ही चीज़ लिख दो प्राइड ओबी इन द चैट, थैंक यू भाई सुनील भाई कैसे हो यार भाई। गाइस जो भी लोग स्ट्रीम में आए फिर से बता रहा हूँ यार लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दो ही मतलब कर ही दो और भाई मुझे बता दो कि कौन सा गेम खेलें यार जल्दी बताओ यार कौन सा गेम खेलें गाइस कल कौन सा गेम खेलें, पबजी अमंग अस
मेरे को खेलना भाई, मेरा गाइस देखो यार, मैं ट्राई करता हूँ कि भाई मतलब उसे मैं सही पढ़ूँ, मतलब ऐसा कुछ अगर तुम्हारा ऑटो करेक्ट होता तो, क्योंकि अब मैं पढ़ूंगा ना, मेरे ओके खेलना भाई, मेरे होके खेलना, ओके मतलब क्या होता है भाई, तुम्हारे होके खेलूँ मैं, पर इसका मीनिंग ये नहीं था, कुछ और था, मेरे साथ ऐसा कुछ होगा शायद, मेरे को भी खिला लेना ऐसा कुछ, ऐसा कुछ होगा शायद। हाँ गाइस कल देखते हैं यार, सबको खिलाएंगे जो भी आना चाहता है भाई। देखो यार सुबह एक तो वही बंदे आते नहीं है भाई, कम आते हैं रात को। देखो यार आज 8 की वॉचिंग है, सुबह सुबह 2 की वॉचिंग आ रही थी, 2 या फिर हाँ गई थी 10 की तरफ, पर बीच बीच में मतलब जा रहे थे बंदे, आ रहे थे जा रहे थे, ऐसा कुछ हो रहा था। ठीक है ना, तो जो भी लोग मतलब चाहते हैं कि पबजी वगैरह वगैरह की स्ट्रीम हो, हमारे साथ खेलो यार, ताकि हम जल्द से जल्द कर सकें। मेरे को खिलाना, अरे भाई खिला लेंगे यार, कोई नहीं, मतलब तुम लिखो मत भाई, तुम्हारा ऑटो करेक्ट हो रहा है भाई, गलती से छोड़ दो तुम लिखना भाई, मैं समझ गया ना भाई, मैं समझ गया, वही बहुत है भाई, मुझे मतलब चैट से कोई मतलब नहीं, तुम सिर्फ लिखते रहो चैट में प्राइड ओपी प्राइड ओपी, बस उसी से मेरा पेट भर जाता है, मतलब समझ रहे हो। ठीक है इस बाबा यार, बहुत टाइम हो गया यार, 7:43 हो रहा है यार, इसके बाद हमें मतलब सोना भी है, खेलना भी है थोड़ा सा, पबजी भी हमें मतलब प्रैक्टिस नहीं करनी गया गाइज, तुम ही साथ लाइव स्ट्रीम करते नहीं, मतलब लाइव स्ट्रीम थोड़ी ना करना भाई, थोड़ी देर के लिए मतलब हमारा भी चिल बनता है ना, मैं मतलब थोड़ी देर के लिए कुछ देखेंगे नेटफ्लिक्स वगैरह वगैरह। राइट ओवी, थैंक यू ब्रो वेरी मच भाई, विजय भाई थैंक यू ब्रो। अब देखो भाई पुराने पुराने बंदे तो अब आ रहे हैं, मतलब ये भाई हो गए हमारे, सुनील भाई हो गए, कल भी आए थे सुनील भाई, तो मुकेश ओपी, अबे साले भड़वे साला मेरा नाम लिखने में बहुत मजा आता तुम लोग। हाँ प्राइड ओबी थैंक यू ब्रो प्राइड ओबी गुड। अर्पित अरोरा गुड कमेंट्री स्नोडन, अरे थैंक यू ब्रो अर्पित अरोरा भाई, थैंक यू यार भाई, भाई स्नोडन भाई क्या यार, क्या मारते हो भाई यार, थोड़ा हमें भी भाई मतलब ऐसा मत कराओ करो यार, हमारी भी जलती है भाई, ऐसा क्यों मारते हो यार मजा करो भाई, कोई नहीं, बहुत अच्छा खेलते हो भाई, ओपी भाई ओपी, ऐसे भाई खेलते रहो, मतलब मजे लेते रहो तुम तो। और अगर आप स्ट्रीम पे नए हो तो भाई जल्द से जल्द लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब होगो भाई जल्दी, मतलब इतना जल्दी करो कि किसी को पता भी ना चले, इतना जल्दी कर दो, ठीक है ना ब्रो, थैंक यू ब्रो वेरी मच भाई। मुकेश भाई जिंदाबाद, अरे भाई ये मत लिखा करो यार, हम थोड़ी ना पॉलिटिक्स में हो गया फिर, बड़े बड़े लोग हैं मतलब, संभल के बैठे रहो, कोई नहीं, ये मत लिखा करो। एड मी बड़ी फ्लैंकर सेड यू आर 15 इज इट, भाई मैं को भी इनवाइट कर ले भाई टाइटन गेमिंग। मुकेश भाई जिंदाबाद, मुकेश भाई जिंदाबाद, अरे भाई मत लिखा करो यार। एड मी बड़ी फ्लैंकर सेड यू आर 15 इज इट, अरे हाँ भाई 15 है और क्या, शर्मा ने क्या बात, गांड फाड़ते हैं भाई 15 ही बहुत है भाई, एज भाई डिफर, एज भाई डिफर नहीं करती यार, अगर आप मतलब यूट्यूबर हो नहीं हो, मतलब एज डिफर नहीं करती भाई, एज मतलब कुछ कुछ नहीं करती भाई, एज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं आज भी है ना कास्टिंग कर रहा हूँ ना इस एज में, तो भाई बड़ा होकर मैं शायद से मैं डायनमो वाइनमो बन जाऊँ, उनकी तरह मतलब बनना चाहता हूँ, या फिर कैरी भाई मेरा फेवरेट यूट्यूबर। गुड छोटे भाई वाह यार, अरे ये गुड छोटे वाह भाई, कौन से क्लास हो वो हम रिवील नहीं करेंगे, तुम अपना देख लो भाई, मैं वो रिवील बिल्कुल नहीं करूँगा, रोते रहो साले, हमारे बहुत पुराने बंदे हैं वो, मेरे क्लासमेट बता देंगे पक्का। ओशन शर्मा, अरे हाँ भाई ओशन शर्मा जानता हूँ भाई मैं, कोई नहीं, ओ भाई 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 भाई, भाई। गेमर वाले ओ भाई 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 भाई, भाई, भाई। साल लाफिंग इमोजी डायनमो बैनना है लॉन्डे को, डायनमो बनना है लॉन्डे को, अरे नहीं भाई मुझे डायनमो नहीं बनना, पेटी चोर टीचर्स क्यों गांड फाड़ रहे भाई यार, ऐसा क्यों कर रहे भाई आ होने दो भाई, कोई नहीं उससे क्या होता है, टीचर्स हैं तो क्या होगा। हाइड्रा डेंजर इज द मियां खलीफा एक्स रमेश चौधरी, डिस्कॉर्ड आईडी यूजर नेम, अरे भाई ये लो यार, 8 क्लास में है भाई यार, क्या गेस किया भाई वाह, ओपी बहुत ओपी, इतना एक्यूरेट भाई मेरी जिंदगी में सच्ची बता रहा हूँ मुझे किसी ने बोला ही नहीं
कि मैं 8 क्लास में हूँ। आज मैं मेरी मम्मी पापा को मतलब मेरे पेरेंट्स को जाके बताऊंगा कि मैं 8 क्लास में हूँ, मैं ऑल थोता बन गया या फिर मैं ऑल थोला भला बन गया। भाई कोई दूसरा बैकग्राउंड लगाओ, ये लो भाई ये लो दूसरा बैकग्राउंड लगाओ। और भाई हमारे पास बैकग्राउंड है क्या, मतलब हम गेम तो नहीं खेल रहे ना गाइस, तो बैकग्राउंड चेंज होता तो रहेगा ही नहीं। तो देखते हैं भाई क्या क्या हो रहे हैं सीन भाई मेरे भाई मैंने गाइस सुबह भी है ना कॉल आया था ना गाइस, तो मैंने क्या क्या बताया। नो ब्रो सिक्स्थ में है भाई ये प्राइड गेमिंग। अरे भाई इतना बना बना दिया भाई, मैं तो सेकंड क्लास में हूँ यार, तुम्हें किसने बताया। नाइन्थ अले भाई झूठ बोल रहे यार, मैं सेकंड क्लास में हूँ भाई, क्या बोल रहे यार। विजय बेटी चौथ तू क्या है डैनी ओ भाई मारो मुझे मारो भाई डैनी डैनियल्स। हेलो भाई मैं प्रो टाइटन हूँ। अरे भाई पता है यार भाई, तुम्हारे नाम से ही दिख रहा है भाई प्रो टाइटन, तुम्हारे नाम से ही दिखा रहे हो कि मैं प्रो हूँ। हाँ भाई क्या बात कर रहे हो भाई यार, क्या बात कर रहे हो। टीचर सी ओ भाई अगर ओए सुनील अगर टीचर ने देख लिया ना तेरी गांड में, पक्का बता रहा हूँ फोड़े कर देंगे तेरे, पक्के बता रहा हूँ। आप किसके वीडियो देखते हो? मैं किसके वीडियो देखता हूँ भाई, रिवील करना जरूरी है भाई। ऐसे मेरा फेवरेट कौन है पता है तुम्हें भाई? कुछ था यार उसका नाम मैं भूल गया भाई, शायद सर्च किया था शायद 2-3 हफ्ते पहले। आई लव नॉटी अमेरिका हो गई भाई, पूरा टॉक्सिक हो रहे हैं गाइस, निकल जाओ जो संस्कारी है सच्ची बता रहा हूँ। प्ले फुटबॉल स्ट्राइकर, नहीं फुटबॉल स्ट्राइकर नहीं है वो, रॉकेट लीग है वो। देखो भाई मतलब मैं कल क्या खेलूँ ये बता दो मुझे, मेरे हिसाब से तो मुझे मतलब खेलना चाहिए क्या पता है तुम्हें? जॉनी सिल्स सॉरी पबजी मैं बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से मुझे खेलना चाहिए। फेवरेट टीचर, मेरा फेवरेट टीचर मेरे सब्जेक्ट बता रहा हूँ मैं, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट पहले था मैथ्स, अब मेरे हिसाब से मुझे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ही नहीं, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट पबजी है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कुछ नहीं है, मेरा सिर्फ पबजी है, पबजी आई लव यू पबजी खत्म, मेरा सब्जेक्ट यही है। मतलब गेमिंग कम्युनिटी, आई लव गेमिंग कम्युनिटी भाई, उसमें चिल करते रहो यार, मतलब तुम्हें मज़े भी आएंगे, तुम सीख भी लोगे, तुम्हें कलर करेक्शन भी होगा, मतलब तुम अगर गाइज अभी तुम्हें पता है गाइज एक नॉर्मल बंदा जो पबजी नहीं खेलता है और एक बंदा जो पबजी खेलता है, तुम उसे पूछना एक LED लाइट लेना और येलो गोल्ड येलो लगाना और LED लाइट बता रहा हूँ ठीक है ना गाइज, एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, LED की लाइट को सीधा सही से देखना है आपको, उसमें जो बंदा पबजी खेल रहा होगा ना, जो पबजी नहीं खेल रहा होगा उसे वो नॉर्मली गोल्ड ही कलर की दिखेगी, पर अगर तुम लोग उसे देखोगे ना गाइज तो वो दिखेगी भाई रेड और ऑरेंज और उसके बाद शायद पर्पल ऐसा कुछ कलर दिखेगा गाइज, उसका मिक्सचर बनता है गाइज वो। डिस्कॉर्ड लिंक इनवैलिड प्राइड और उसको बड़े भाई, प्राइड और उसको बड़े भाई, क्रोम पर सर्च करो ब्राउजर्स माई प्ले गेम बैकग्राउंड देख के पक गया हूँ, तो मैं क्या करूँ भाई। स्कॉर्पियो मैन देखो गाइज, लिंक भिजा दी यार, जल्दी जाके उस पर क्लिक करो आ जाएगी तुम्हें। माई फेवरेट टीचर इज ले, मतलब ले क्या गांड में ले क्या बोल रहे हो सच्ची भाई, क्या बोल रहे हो यार भाई क्या, थोड़ा मतलब कंट्रोल करो यार, कंट्रोल करो गाइज। जो भी लोग स्ट्रीम पे नए हैं जल्द से जल्द भाई लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब हो दो, मतलब अगर तुमसे नहीं किया जाता ना भाई मतलब प्यार से दबा दो, यहाँ पर दिख रहा होगा तुम्हें रेड कलर का और लाइक का बटन तो तुम्हें दिख रहा ही होगा, उस पर दबा देना, शेयर का बटन भी है होगा उस पर भी दबा देना, और एक चीज़ ज़रूर करना अपने एक्स जो भी मतलब पूरे मतलब जो भी दिख रहे ना उनके सारे फोन्स में से जाके जल्दी करो भाई, लिंक पिन कर दो। चलो भाई ये लोग पिन कर दिया टाइटन भाई। भाई वो दिन क्या, अरे भाई अरे यार भाई वो दिन खेल रहा था ना मैं ID प्रो टाइटन, अरे याद है भाई बिल्कुल याद है भाई, मैंने बोला ना मैं तुम मुझे याद हो, मैंने बोला ना भाई भाई प्राइड भाई बाय प्राइड भाई, अरे भाई बाय ब्रो समीर भाई बाय 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 बाय। इंग्लिश टीचर ली भाई क्या बोल रहे हो यार भाई ओ भाई मारो मुझे मारो भाई, मत करो यार ऐसा,
देख लिया ना तुम्हारी फाड़ के हाथ में दे देंगे, मुझे नहीं पता फिर। और बताओ अपने नए पुराने बताते हो। बाय ब्रो, बाय बाय भाई, बाय बाय भाई, बाय बाय। ओपन कस्टम्स करें गाइज, बताओ गाइज ओपन कस्टम्स करें। गेम गेम कौन सा खेलें यार, कल खेलते हैं गाइज गेम, गेम कल खेलते हैं, आज नहीं, आज मतलब मेरा मन है पर अब नहीं खेल सकते यार। गेम खेलना बाद में खेलते हैं भाई। अरे यार हम खेल चुके भाई, अब कितना खेले भाई, चार्जिंग ही नहीं है बेचारा, बोर मार रहा है। हाय रमेश बीरो, हाय ब्रो। ठीक है भाई, यार थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई, अब तक जो भी मतलब जुड़े थे हमारे साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई। ठीक है चलते हैं भाई, बहुत देर हो गई, हम टॉक शो पे कब से बैठे रहे, मतलब कोई आया नहीं साला बड़वा, कोई नहीं आया। कौन सा प्रॉब्लम था भाई, नहीं था साला बनाने वाला जरूर। ठीक है गाइस, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई, कल मिलते हैं फिर से एक ब्रांड न्यू लाइव स्ट्रीम के साथ सुबह सुबह, तो वो मतलब थोड़ी देर देख लेना, पर थोड़ी देर गाना बंद करते हैं और मतलब चलो चालू ही रखते हैं इसको भी। और भाई जल्दी आना यार, ठीक है ना गाइस, मतलब ऐसा मतलब वेट मत कराना मुझे, ठीक है ना गाइस। ओके बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। ओ भाई मारो मुझे मारो, I'm mine.